लोग ज्वाइन नहीं कर पाते थे वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। तो सभी का वेलकम है हमारे फ्री वेबिनार। जो आज का हमारा वेबिनार है वो डेस्टिनी नंबर के ऊपर है, ओके, न्यूमरोलॉजी डेस्टिनी नंबर। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है। मैं पिछले 12 साल से इस ऑकल्ट साइंस में, इस इंडस्ट्री में बोल सकते हैं हूँ। पिछली 12 साल की जर्नी में 10 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। 2011 से मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। 2008 से मैं इस फील्ड में आया था। भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं पहले बिजनेस किया करता था, उसके बाद ईश्वर ने इस ऑकल्ट साइंस की तरफ मेरा रुझान बढ़ाया और 2008 से लेकर आज 2021 खत्म होने वाला है, तो अब तक 12-13 साल इस साइंस को में मुझे हो गए हैं। अब बात ये होती है कि 2011 से और 2021 यानी कि 10 साल तो मुझे पढ़ाते हो गए हैं सारी साइंस, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट। इन 6 सब्जेक्ट में और भी जो चीजें हैं, जैसे ज्योतिष के अंदर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, तो ये मैं पढ़ाता हूँ। वास्तु में भी 10 तरह के वास्तु हैं। पिछले 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देते हुए, उसका हजारों कंसल्टेंसी दे चुका हूँ और 10,000 से ऊपर स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, 6 साइंसेस मिलाकर। और लॉकडाउन में कम से कम अगर मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 1500 से ऊपर, 1600 से ऊपर बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि डिफरेंट हमारे वेबिनार होते रहते हैं। सबसे पहले मेरा एक ज्योतिष का चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, आप उस सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं है वहां पर कोई बेफजूल की बात नहीं है, मतलब आप ये नहीं करते आइए हमसे जानिए कैसे आप रईस बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं वीडियो मिलेगा आप। वहां जो भी मिलेगा आपको ऑथेंटिक नॉलेजेबल चीजें आपको मिलने वाली, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो, ओके। तो सबसे पहले आप उसको फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक के ऊपर, या मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जितने भी हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं आपको वहां से सारे डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है न्यूमरोलॉजी का। सबसे पहले अभी किसी सज्जन ने बात की थी कि नाम चेंजिंग की, कि सर ऐसा क्या है कि 90% न्यूमरोलॉजी, हम किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते हैं तो 90% वो नाम चेंज जरूर करते हैं। यही तो रोना है, दूसरा चलो नाम चेंज कर दो कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इस संसार में जितने लोग हैं किसी भी ने अपना नाम सही नहीं रखा गया, ऐसा हो सकता है क्या? पहले ये बताइए, ऐसा नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। पहली बार ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी 90, क्या मैं तो कहता हूं 99% आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाएंगे तो वो नाम चेंज किए बिना नहीं मानने वाला। तो इसका मतलब है कि 100 में से 99% लोग अपना नाम ही गलत रख के बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो नाम चेंज बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, बिना मतलब नाम मत चेंज कराइए। आज मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक। अभी मैं फेसबुक देख रहा था, वहां पर एक पता नहीं वो न्यूमरोलॉजिस्ट है या उसने नाम अपना चेंज कराया, भगवान जाने। देखिए मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, मेरे अपने थॉट है और यहाँ पर सभी को अपना पक्ष रखने का एक अधिकार है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे 12 साल इस साइंस में हो गए, मैंने इस ऑकल्ट साइंस को जिया है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने ये साइंस जी है। और कितनी पढ़ी होगी मैंने आप खुद सोच सकते हैं, ओके। तो दूसरी बात यह है कि नाम चेंज बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में किया जाता है, ऐसे ही नाम चेंज नहीं करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे भी। दूसरी बात, कोई भी नंबर गलत नहीं होता, ये दिमाग से निकाल देना, ओके। कोई भी नंबर गलत नहीं है, जब आप पाइथागोरस से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा हर नंबर के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं। आप क्या लेना चाहते हैं? फ्लोरेंस कैम्बल एक वर्ल्ड का रिनॉन न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छी बात कहता है कि नंबर हमें दे दिए जाते हैं, आप उस नंबर का हम यूज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर नंबर के, कोई भी नंबर मेरे से आप पूछिए, मैं उसकी 10 कमियां बता सकता हूं उस नंबर की, उस नंबर की मैं 20 अच्छाई बता सकता हूं, ओके। तो ये आपके ऊपर है, आप उस नंबर को जीते कैसे, उस डेट ऑफ बर्थ को जीते कैसे। तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता, किस कंटेस्ट में उस नंबर को आप देख रहे हैं, देखने नजरिया क्या उस नंबर को आपका, ठीक है, तब आपको पता लगेगा। अगर मान लीजिए आप जो 5 नंबर है, अगर उसको आप स्पिरिचुअल नंबर की नजर से देखते हैं तो कहां से स्पिरिचुअलिटी मिलेगी उससे? 5 नंबर को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की नजर से देखते हैं तो कहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, ठीक। इसी तरह से हर नंबर एक यूनिक नंबर है, हर नंबर की अपने ट्रेट्स हैं,
ठीक है, आप क्या चाहते हो नंबर से, उस नंबर को जीना शुरू कर दो। दूसरी बात, अभी एक मेरी बहन बोलूंगा मैं, वो बता रही थी कि उसकी बेटी के चार्ट में सिर्फ दो ही नंबर हैं, एक एक नंबर बता रही थी या तीन नंबर है टोटल मिला के, बाकी नंबर मिस है। बोला सर क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी लाइफ में? अरे मान लीजिए कोई 20 फरवरी को पैदा होगा, 2000 को पैदा होगा, उसके बाद तो एक ही नंबर है, वो जी नहीं पाएगा क्या? जिएगा तो वो भी, काम तो वो भी करेगा। जो वो नहीं है उसको ले आओ लाइफ में। मान लो 20 फरवरी को पैदा हो गया 2000 को, उसके बाद तो दो नंबर तीन बार आ गए, बस खत्म काम, क्या करेगा वो? इसका मतलब वो बंदा का कोई प्लेन उसके बनेंगे ही नहीं, कोई भी प्लेन नहीं बनेगा उसका, ना डायगनल, ना हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, ठीक, कुछ नहीं बनने वाला। तो इसका मतलब उसका तो जीवन बेकार है। तो भगवान को अगर ऐसा डेट आई थी तो उसको पहले रिमूव कर देना चाहिए था, क्या जरूरत थी उस डेट को बनाने की? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो सिस्टम थोड़ा अधूरा सिस्टम है। सबसे पहली बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, नाम बहुत रेयरस कंडीशन में चेंज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी लाइफ में जितने भी इवेंट आपके घटते हैं, वो जो नाम आप रखते हैं उसके पीछे नाम की फोर्स होती है, एज पर पाइथागोरस सिस्टम। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर इवेंट नंबर निकलता है आपका, हर साल का एक इवेंट नंबर होता है, वो इवेंट नंबर डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में इस साल क्या होने वाला है। इसके साथ और वो सारे नंबर होते हैं, वो इन्फ्लुएंस डालते हैं उस इवेंट के ऊपर, इन्फ्लुएंस करते हैं उस इवेंट को, लेकिन अकेला इवेंट नंबर ये डिसाइड करता है कि इवेंट होगा क्या। और ये इवेंट नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम में जो अक्षर है, अल्फाबेट है, उसको उससे निकलता है। कितनी बड़ी बात कही है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया लोसो सिस्टम में प्रेडिक्शन आती कहां से है, मुझे ये नहीं समझ में आज तक। वो ट्रेड्स बता देते हैं, ड्राइवर ये, कंडक्टर ये, ठीक है भाई हमें भी पता है, समझ में आ गई बात कि ड्राइवर ये, कंडक्टर है, बंदे के ट्रेड्स ऐसे होंगे। भाई प्रेडिक्शन क्या कहां पर है कि इस साल होगा क्या मेरे साथ? वो बोलते जी वो पर्सनल या पर्सनल मंथ पर्सनल डे निकाल लो, बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है, निकाल लो। उनको ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर मंथ में पैदा हुए बच्चे किसी भी सन में पैदा हो, उनका बर्थ ईयर कोई भी हो, सबका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे बराबर चलता है। जैसे मैं अपनी बात कहता हूं, 2 फरवरी को मैं पैदा हुआ 1973 में। पहली बात तो अकेला मैं पैदा नहीं हुआ उस दिन, ठीक है, करोड़ों बच्चे पैदा होंगे, सबका लो शू ग्रेड सेम बना, ठीक है। तो सारे का ज्योतिषी बने हैं क्या आज? सारे ज्योतिष पढ़ा रहे हैं क्या? ग्रिड तो सेम है, ग्रिड भी सेम है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सबका सेम है। फिर वो कहते हैं जी नाम तो अलग है, मैं कहा बिल्कुल नाम अलग है। मैंने कहा जो तुमने नाम की बात कर रहे हो, उस नाम का यूज कहां करते हो तो बता दो, प्रेडिक्शन करते वक्त कहां यूज कर रहे हो आप? निकालते नहीं इवेंट नंबर, सिर्फ आप पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर पकड़ लिया, बस कहां नहीं खत्म। मैं फिर कह रहा हूं ये लोसो सिस्टम जो यूज कर रहे हैं लोग, बहुत आधा अधूरा सिस्टम है, वो बता ही नहीं रहे आपको अंदर की बात। ओके, मुझे 2014 में ये बात समझ में आ गई थी, और कोई लोसो सिस्टम करता हो तो मुझे सिर्फ दो क्वेश्चन के आंसर दे देना, बस सिर्फ इसी बात के, ठीक है, कि जब मैं 2 फरवरी को पैदा हुआ, उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए, सबसे पहले तो सबकी ग्रेड सेम, सबके पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे सेम चल रहे हैं, तो सबके साथ वो इवेंट नहीं हो रहे, सबके अपने अपने ट्रेड्स हैं, सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, ठीक है, सब अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी बच्चा 2 फरवरी को पैदा होगा, मैं तो उस दिन की बात कर रहा हूँ 73 की, मैं तो कह रहा हूँ 2 फरवरी को मेरा जन्म हुआ, 2 फरवरी को किसी भी साल में जन्म किसी का भी होगा, उसका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, जिसका आधार लोशो सिस्टम में प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है, सबका सेम चल रहा है, सबका, चाहे वो 2021 में पैदा हुआ बच्चा, 2015 में, 2000 में, 1970 में, 1949 में, जब कभी पैदा होगा 2 फरवरी को, उसका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे मेरे बराबर चल रहा है। अब निकाल लो प्रेडिक्शन कहां से आएगी, नहीं आ सकता। इसलिए दूसरी बात, देखिए मेरा मकसद यहां किसी की बुराई करना नहीं, मैं फिर कहता हूं उसे, मेरे लिए तो सारी साइंसेस मेरे माँ बाप की तरह है, चाहे लोसो सिस्टम है, चले डेन सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, मेरे सारी मेरे माँ बाप की तरह है, क्योंकि इन्हीं का हम खा रहे हैं, मेरे बच्चे इसी से पढ़ रहे हैं। ओके, ये मेरे माँ बाप की तरह, मैं सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस सिस्टम में कुछ कमियां हैं, या तो हम नहीं सीख पाए, या वो बताना नहीं चाह रहे आपको, सिर्फ सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लोग कर रहे हैं कोर्स, करे जाओ, पाइथागोरस सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, लोसो से लोसो बनाना सिखा देंगे, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ा देंगे आपको, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, चलो जी लाओ जी 5-7-10 हजार रुपए दे दो, काम खत्म।
वो बच्चे सीख सीख के आते हैं। मैंने कहा क्या सीखा, कह रहा लो शू ग्रिड्स बनाना सीख गया। मैं कहा इतनी बड़ी बात सीखा है तू मेरे पास आता, मैं फ्री में सिखाया था ये बात। जितनी लो शू सिस्टम में लोग पैसा देकर सीख कर आते हैं, मैं हर कोर्स में मेरे से ज्योतिषी पढ़ोगे तो लो शू मैं इतने फ्री में पढ़ा देता हूँ, मेरे से आप टैरो पढ़ोगे तो इतनी न्यूमरोलॉजी जितनी आप 5-7-10 हजार रुपए खर्च कर लो शू सिस्टम पढ़कर आते हो उतनी मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ। और जब मैं लो शू अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स करता हूँ, पाइथागोरस मेरा मेन सब्जेक्ट है वो तो पढ़ाता हूँ, उसके साथ लो शू सिस्टम फ्री में पढ़ा देता हूँ। और जब न्यूमरोलॉजी हम पढ़ाते हैं इसके साथ हम ये भी पढ़ा देंगे कि नंबर से लो शू सिस्टम से आप वास्तु कैसे करेंगे, क्योंकि मैं 10 तरह से वास्तु पढ़ाता हूँ, चाहे वो वैदिक वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है, इंडस्ट्रियल वास्तु है, पायरा वास्तु है, क्रिस्टल वास्तु है, केपी वास्तु है, नाड़ी वास्तु है, प्रश्ना वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, ओके नंबर वास्तु है, होम्योपैथी आयुर्वेदा वास्तु है, इतने तरह के वास्तु है। ठीक है, तो ठीक है पढ़ो, अच्छी बात है, ज्ञान लो, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि भाई लो शू सिस्टम में सब कुछ है तो ये गलत फहमी है आपकी। मैं मेरा मकसद ये है। दूसरा एक सबसे बड़ी देखिए मेरा मकसद यहाँ है आपको नॉलेज देने का, ताकि आप लूटे पिटे ना, आप अननेसेसरी भागे जा रहे हो नाम चेंज कराने के लिए, ऐसा नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं नाम चेंज कराने का मतलब है कि इसके बाद न्यूमरोलॉजी वाले के पास कुछ नहीं है करने के लिए। जिस तरह के मैं हमेशा बताता हूं आपको कि कोई इंसान हमारे पास कब आता है, जब परेशानी में, वो परेशानी छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता कितनी बड़ी परेशानी है, कुछ लोग छोटी छोटी परेशानी में आ जाते हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास कोई मरीज आ गया, जी मेरे को खांसी जुकाम हुआ है, अब बंदा उसकी चेकअप करेगा या खांसी जुकाम की दवाई देगा या उसको कहेगा भाई इसको ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में, उसका कर जाओ चीर फाड़ कर डालो। नेम चेंज कराने का मकसद ये, मतलब यही है कि आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जा गया और बस इसका नाम बदल दो जी। इसके बाद क्या करेगा न्यूमरोलॉजी वाला, इसके बाद है कुछ करने के लिए? अगर आप फिर बोलते हो जी मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, अब बताओ क्या करेंगे, वो तो हाथ खड़े कर देगा भाई मेरे पास तो ऑपरेट होता, आपका नाम चेंज कराने का वो मैंने करा दिया बात। दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल वो देता हूं, मान लीजिए मैं तो अपना एग्जांपल देता हूं। पहली बात, अब क्यों मैं आपके सारे मिथ क्लियर कर रहा हूं, मेरा मतलब आपको एक रोशनी दिखाने का है, सिंपल, मर्जी आपकी है आप किसको फॉलो करते हैं, चॉइस इज योर्स। दूसरी बात है, जब कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में तो नहीं है कि उसने कब किस महीने किस दिन पैदा होना है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ आना और जाना ईश्वर डिसाइड करता है, फैक्ट है ये तो बिल्कुल ज्योतिष में बोला गया कि आना जाना ईश्वर के हाथ। हम भी हजारों बच्चों की टाइम दे चुके हैं आज तक कि भाई आज बच्चा पैदा करना, ठीक है सीजेरियन होगा, ये टाइम, ये मुहूर्त, ये नक्षत्र है ना, ये हो रहा, ये चरण में बच्चा पैदा होगा तो बहुत अच्छी कुंडली बनेगी, आज तक नहीं हुआ क्योंकि वो ऊपर से डिसाइड है ना, हम कर्म कर रहे हैं, वो रेयर कंडीशन में कोई ऐसा हो जाता है तो हो जाता है, रेयर कंडीशन में। इसका मतलब है जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है, कोई इंसान प्लान नहीं कर सकता कब किस बच्चे को आना है, कोई नहीं प्लान कर सकता, ये ईश्वर प्लान करता है। अब जब ईश्वर ने कोई चीज प्लान की है आपके लिए तो भाई उसकी कैलकुलेशन तो कभी गड़बड़ हो नहीं सकती, अगर उस पर भी शक करोगे आप तो फिर तो रह ही कुछ नहीं गया ना, फिर क्या रह गया, फिर तो बात ही करनी बेकार। इसका मतलब है जो डेट है आपकी, जो ड्राइवर आप बोलते हैं या जो कंडक्टर आप बोलते हैं, नाम का पूरा अक्षर आप करते हैं, उसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग कहते हैं अरे तेरे तो डेट ही गलत है, अरे भाई तेरे तो ड्राइवर ही है कंडक्टर ही है, भाई मैंने तो उन्हें डिसाइड किया है, ये मैं कौन होता हूं डिसाइड करने, ईश्वर ने डिसाइड किया है। और ईश्वर कभी गलत नहीं कर सकता, ईश्वर कभी गलत नहीं कर सकता, कैलकुलेशन में मिस्टेक इंसान कर सकता है, ईश्वर नहीं कर सकता कोई। इसलिए दिमाग से आज ही निकाल देना कि जिस डेट में आप पैदा हुए हैं या आपका जो टैलेंट नंबर बनता है जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं वो आपके लिए दी बेस्ट है, इससे बढ़िया लक्की नंबर लक्की डेज आपकी लाइफ में नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर उस पर भी शक कर रहे हो तो ईश्वर पे शक कर रहे हो फिर आप, फिर बात ही करता हूं, फिर तो आगे बात क्या बोलूंगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा मतलब होता है। दूसरा, फिर जिस तरह से कोई नंबर मैंने बताया कि कोई नंबर खराब नहीं होता, आप उस नंबर का यूज कैसे करते हो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जैसे कि एक मिथ बना रखा है कि 1 and 8 एंटी है, जी हमने भी ज्योतिष पढ़ रखा है भाई, हमें भी पता है सूर्य और शनि एंटी है, ठीक है, लेकिन अब किस कंटेस्ट में एंटी है मुझे कोई नंबर बताओ, कोई भी, मैं तो ओपनली बोलता हूं, ओपन बिल्कुल हर सेमिनार में बोलता हूं कि नंबर्स के मामले में मुझे चाहे लाख लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन करा लेना कभी भी, ठीक है, मैं जिसको वो अच्छा बोलेगा उसको मैं गलत साबित कर सकता हूं और जिसको वो गलत बोलेगा मैं उसको अच्छा साबित कर सकता हूं।
क्योंकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता किस कंटेस्ट में, जिस तरह से एक इंसान कभी भी दुनिया के लिए सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई एक इंसान बता दो मुझे, कोई भी एक इंसान, वर्ल्ड का कोई इंसान बता दो जिसको आप बोलेंगे कि यार ये ऐसा इंसान है इसको सारी दुनिया अच्छा मानती है। चलो इंसान तो चलो मैं कहता हूं, कोई भगवान ही बता दो मुझे, कोई ईश्वर बता दो, कोई डिवाइन पावर बता दो जिसके लिए 100% लोग कहते हैं हाँ ये बढ़िया है, उसके भी लोग अगेंस्ट खड़े, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कोई भी धर्म ले लीजिए। जब डिवाइन को लोगों ने बख्शा, ईश्वर को लोगों ने नहीं बख्शा, हम तो इंसान है, मतलब ये है कोई नंबर गलत नहीं है, आप उसका यूज कैसे करते। जैसे 188 की बात की है, हमें पता है भाई 188 अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये आपको मिल गए हैं, ईश्वर ने दिए ना, आपका तो कोई रोल नहीं है इसमें, अब क्या करेंगे? अब उस 188 को समझो है क्या। वो 188 पहली बात तो मेंटल प्लेन के नंबर है, मेंटल प्लेन के। हर इंसान को हर कुछ नहीं मिलता लाइफ में, ये भी याद रख लेना आप, हर इंसान इस जर्नी में कुछ स्पेशल करने आया है, कुछ ड्यूटी निभाने आया है, कुछ कर्म काटने आया है और कुछ कर्म भोगने आया है। ईश्वर इसी से रिगार्डिंग कि क्या आप इस भोगोगे, क्या काटोगे, किस सेक्टर में आप अच्छा करोगे, किस किस फील्ड में आप वीक रह जाओगे, उसी हिसाब से आपको नंबर देता है। किसी का अगर 188 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कैसे भी हो, डेट वन हो या टैलेंट नंबर का, या जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं वो 8 हो, 18 हो या 81 हो, जो मर्जी हो, पहली बात तो ये मेंटल प्लेन के नंबर है। दूसरी बात है पैसे के लिए 188 से बढ़िया नंबर नहीं हो सकते। 188 सोचो, सूर्य की पावर, सूर्य की इंडिविजुअलिटी, सूर्य की आइडियल थॉट, सूर्य की ओरिजिनलिटी, सूर्य की पावर, सूर्य की स्ट्रेंथ के साथ अगर आपको कर्म मिल जाए, शनि मिल जाए, इसको नेगेटिव क्यों सोचते हो? ये सोचो कि आपके पास सूर्य की पावर है, उस पावर को लेके आप सभी काम करने निकले हो, काम करने निकले हो। शनि इज वर्क, वर्कोलिक शनि बनाता है आपको, कर्मशील शनि बनाता है आपको, डेडिकेशन आपको शनि देता है, कंसिस्टेंसी आपको शनि देता है, कंसंट्रेशन आपको शनि देता है, सारा मटेरियल सुख भी शनि देगा। काम करोगे तभी तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो 188 वालों से काम करा लो जितना मर्जी, कितना मर्जी काम करा लो, कभी नहीं थकने वाले। इनका लाइफ का भगवान ने जो इनको बनाया है, क्योंकि इनके थॉट कहां से आएंगे, नंबर से आएंगे, जिससे वो गवर्न हो रहे हैं वहां से इनके थॉट आते हैं। कि आप कर्म क्या करोगे या आप डिसाइड नहीं करते, आपके ऊपर किन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, दूसरा आपके पास कौन से नंबर के टूल हैं, किस कौन सी पर्सनल ईयर, ये सब चीज चल रही है, कौन सा इवेंट नंबर चल रहा है, ये नंबर्स, ये प्लैनेट, ये सब चीजें, आउटर वर्ल्ड जिनको हेवनली बॉडी हम बोलते हैं, ये आपको गवर्न कर रहे हैं आपकी लाइफ को। आप यू आर नथिंग। ओके, तो 188 पैसा कमाने के नंबर है। 188 वाले जितना मनी पावर बिजनेस पैसा इसमें दी बस कर सकते हैं, बाकी कोई भी नंबर इनके इर्द गिर्द भी नहीं खड़ा। आप बताओ ये अच्छा नंबर है बुरा नंबर है? दूसरा, अगर इन 188 वालों से प्यारों मोहब्बत की बातें करोगे, तो मैं तो सिंपल पूछता हूं, किसी के हस्बैंड का या किसी की वाइफ का 188 का कॉम्बिनेशन है और दूसरे हस्बैंड में या वाइफ में दूसरे उसके पार्टनर के अंदर 6 नंबर हो, 2 नंबर हो, जिसे वो गवर्न हो रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ लास्ट तुम्हारे पार्टनर ने आई लव यू कब बोला था? वो बंदा सोचता है यार 25 साल शादी को हो गए, पता ही नहीं कभी बोला ही नहीं, मेरे कहा बोलेगा ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है प्यार मोहब्बत में। हाँ, गिफ्ट ला देगा आपको, हर बर्थडे पर, हर एनिवर्सरी पर गिफ्ट आपको मिलता होगा, हर करवा चौथ पर फर्स्ट क्लास सेट आपको ला देता होगा, लेकिन उसको बोल पूछ लो, वो एक अफेक्शन, वो एक जो एक कपल के बीच में होना चाहिए, वो उसने शो कब किया था? मैं ये नहीं कह रहा प्यार मोहब्बत नहीं होता, उसने शो कब किया था, वो नहीं किया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्यार मोहब्बत के मामले में 188 से वर्स्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, लेकिन पैसा कमाने में 188 से बढ़िया नंबर कोई नहीं। अब चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप 188 का कॉम्बिनेशन को अच्छा मानो या बुरा मानो, चॉइस इज योर्स। और इंसान को हमेशा पॉजिटिव ट्रेट्स देखने चाहिए, नेगेटिव क्यों देखने, हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी है। मुझे बड़ा मजा आता है जब शुरू में ज्योतिष हमने शुरू किया था करना,
प्रोफेशनली जब हम कूदे थे 2011 में, भाई चलो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी देंगे, पढ़ाना तो शुरू कर ही दिया था। तो जब हम कुंडली देखते थे तो हम सर्कल था बहुत बड़ा, आपको पता है जब ज्योतिष फील्ड में जिस फील्ड में आप आते हैं सर्कल आपका वैसे ही बन जाता है। तो हम बैठते थे डिस्कस करते थे, तो कुछ लोग थे, मैंने कहा तुम नेगेटिव चीजें क्यों देखते हो, मैंने कहा इसमें ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जैसे ही अपनी ट्रे बनाएंगे आदतें, इंसान हो कुंडली हो काम हो कुछ भी हो, कुछ लोगों को होता है नेगेटिव चीज ही नजर आती है देखते ही वो है, कुछ लोग है पॉजिटिव देखते हैं, तो जैसा देखोगे वैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो किसी कम्युनिकेशन को गलत मत कहना। पहली बात, आप नाम किस पर लेकर आए हो, ठीक है वो नाम आपने रखा है वो मैं मान लूंगा कि गलत रखा होगा, कभी कोई डेट ऑफ बर्थ को गलत नहीं बोलेगा आज के बाद, वो आपका हक ही नहीं बनता, वो भगवान ने दी है। और भगवान पे शक कर रहे हो यार, तो भगवान मतलब डिवाइन कोई भी, जिस भी धर्म से आप, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जब आपका रोल ही नहीं है उसमें तो फिर क्या रोना, जियो उसको सबसे पहली बात। तो दूसरा, हाँ मैं एक बात और बता रहा हूं, अब ये नाम चेंज इसलिए करवाते हैं कि आपके पास कोई नंबर मिसिंग है, मोस्टली मोस्टली नाम इसलिए चेंज कराते हैं, अरे आपके 5 नंबर नहीं, आपके 6 नंबर नहीं, चलो 5 पे नाम ले आओ, 6 पे नाम ले आओ, 7 पे नाम ले आओ, 8 पे ले आओ, 9 ले आओ, मतलब जो मिसिंग है आपका उस पर आपका नाम रख देते हैं। अब इसकी भी कहानी सुन लो। सबसे पहली बात है कि मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं और भगवान की जैसे अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा, अब तक तो मैं अकाउंट्स खुद लिख लेता था, बिजनेस मेरा बढ़ गया, ठीक, अब बिजनेस बढ़ गया तो मेरे को अकाउंट मेंटेन करवाना है किसी से, अब मैं क्या, मेरी अकलबंदी किस में होगी कि मैं अकाउंट सीए बनूं, अकाउंट सेक्शन अकाउंट को सीखने जाऊं कि मार्केट से, या मैं एक अकाउंटेंट हायर कर लूं, समझदारी किस में है, समझदारी तो इसमें है ना कि मैं एक अकाउंटेंट हायर कर लूंगा पैसे से, मैं क्यों अकाउंट्स पढ़ने जाऊं। तो नाम मिसिंग नंबर पे रखने का मतलब ये है, सिर्फ यही सोच के कि ये मिसिंग नंबर है इस पे नाम ले आते हैं, या ये बढ़िया नंबर है इस पे नाम रख लेते हैं, सिर्फ वैसा ही है कि भाई आपको लाइफ में उस नंबर की जरूरत पड़ी और आपने अपने आप सीख लिया वो चीज। अरे भाई क्या क्या सीखोगे, जो जैसे हो वैसे रहो, किसी नंबर की जरूरत है ना, मैं आपको नंबर की 20 रेमेडी बता दूंगा, एक एक नंबर की, कि उस नंबर की एनर्जी को आप कैसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो, 20। जरूरी नहीं है कि मैं नाम चेंज करूंगा तभी वो नंबर मेरे पास आएगा, तभी उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा, जरूरी नहीं है। कोई नंबर मिसिंग है तो कोई बात नहीं, उस नंबर चाहिए ना आपको, मैं तो पूछता हूं आपको चाहिए कौन सा नंबर ये बताओ, बिना नाम चेंज किए मैं आपको, अगर नंबर ना आए आपकी लाइफ में तो मुझे बता दो। ये आर्ट होती है, ये आर्ट है कि आप कैसे चीजों का रिसोर्स का यूज कैसे करते हो, दैट इज एन आर्ट, ये आर्ट। और ये आप कोर्स में आएंगे सीखेंगे तब आपको पता लगेगा। हमारा कोर्स मंडे से लॉन्च हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस कोर्स रहेगा, 20 से 22 दिन का कोर्स रहेगा, हो सकता 25 क्लासेस भी हो जाएं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ाने वाला हूं, 16 से 18 दिन हमारा पाइथागोरस सिस्टम चलेगा और बाकी 4-5 दिन में आपको लो शू सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, और लो शू सिस्टम से कैसे आप नंबर से कैसे वास्तु करेंगे ये भी कोई नहीं सिखाएगा, लो शू वाला भी नहीं सिखाएगा इस बात, क्योंकि उसे वास्तु नहीं आता। दूसरा, हमारा जो कोर्स है, पहला शख्स मैं ही हूं कि कोर्स भी पढ़ाता हूं और आपको सॉफ्टवेयर भी देता हूं, मजे की बात, आपको नेम न्यूमरोलॉजी का हम सॉफ्टवेयर देंगे, ठीक है। जिस तरह से अभी किसी ने सज्जन ने बोला था कि सबसे पहले कोई भी नाम तो चेंज कर देता है, लेकिन आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये नहीं पूछा होगा आपसे कि भाई पहला नाम का पहला अक्षर क्या आपको सूट करता है नहीं करता, पूछेगा आज तक किसी ने, मैं भी जवाब लूंगा आप सभी से। मैं कम से कम 60-65 बार वेबिनार कर रहा हूं और हर वेबिनार के अंदर कम से कम, ये न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो कितने कर चुके हैं, यानी कि मान के चलिए एक वेबिनार में अगर एवरेज में 50-60 भी लेता हूं तो 4000 से ऊपर स्टूडेंट सामने खड़े हो चुके हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे जो न्यूमरोलॉजी करवा चुके हैं, कोई कर चुके हैं। आज तक एक लड़की मुझे मिली थी जिसने बोला था कि मेरा नाम नहीं चेंज किया, सिर्फ एक लड़की मिली थी जिसने बोला मेरा नाम नहीं चेंज किया किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने, मैंने कहा बहुत, 4000 में से एक बंदा वैसा मिला, सोचो क्या रेशियो है। और मैं कहता हूं 40,000 क्या, 4 लाख क्या, 4 करोड़ की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 4 करोड़ न्यूमरोलॉजिस्ट ने कभी ये सोचा भी हो नाम चेंज करने से पहले कि नाम का पहला अक्षर क्या सूट करता नहीं करता आपको, नहीं सोचेगा वो, अब उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का। जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं भागते,
आप जाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास और उसे बोलते हो कि भाई बच्चा पैदा हुआ है, ये डेट थी, ये टाइम था और इस जगह हुआ है, अब आप नामकरण बच्चे का करना है, ठीक है, एक अच्छा सा नाम निकाल कर देना। क्यों निकलवाते हो भाई? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना उस नाम अक्षर की, तभी तो पंडित जी के पास जाते हो नामकरण वाले दिन कि पंडित जी नाम अक्षर दे दो, बच्चे का नामकरण करना है। लेकिन बड़ा होकर कोई नहीं सोचता क्या कि देख तो लो, क्या बताओ उस टाइम में ऐसी नाम रख दिया हो, नामकरण ना कराया हो, अपनी मर्जी से कोई अक्षर चूज कर लिया हो। सबसे पहले अगर नाम का पहला अक्षर आपको सूट आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंपेटिबल नहीं है, वर्ल्ड के जितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट है अपने नाम की करेक्शन करा लेना, रिजल्ट आ जाए तो मेरे पास आ जाना, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना हमने नाम चेंज किया, सब कुछ किया जी, सब कुछ करके देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट उनका इसलिए नहीं आ रहा कि उनका नाम का पहला अक्षर उसके उनके डेट ऑफ बर्थ के कंपेटिबल नहीं है। हमने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना लिया है और ये आपको अपने कोर्स में फ्री में देते हैं, इसके लिए ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है। जिसने सीखना होगा मैं बता दूंगा इसके पीछे कैलकुलेशन कैसे होती है, जिसने सीखना होगा, नहीं सीखना तो सॉफ्टवेयर ले लो हमसे, वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। फ्री में दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को, 3,500 का सॉफ्टवेयर है वो, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को फ्री में देते हैं। वो आपको अपनी डाटा डालिए उसमें, वो आपको बता देगा कि क्या पहला अक्षर आपको सूट करता नहीं करता, कितने गुण मिलते हैं। जिस तरह से जब वर वधु की शादी होती है, लड़का लड़की शादी करते हैं तो उनके पहले गुण मिलाए जाते हैं, 36 में कितने मिलते हैं, तभी तो शादी करते हो। और वो गुण किस लिए मिलाते हो आप? वो इसलिए मिलाते हैं कि दो नक्षत्र, बेसिकली वो जो आप वर वधु कह रहे हैं वो दो नक्षत्र हैं, दो राशि हैं वो बेसिकली, उनकी मैचिंग की जा रही है। क्या ये दो राशियां दो नक्षत्र आपस में रह सकते हैं, कंपैटिबल है, ताकि इतने साल ये साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, कंपैटिबिलिटी बनी रहे, इसलिए तो मिलाते हो। तो कभी ये क्यों नहीं सोचा आपने, जो आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एक राशि तो मिलती है आपको ईश्वर से जब आप पैदा होते हो, दूसरी राशि या दूसरा नक्षत्र मिलता है आपको जब आप अपना नाम रखते हो, और नाम का पहला अक्षर हर अक्षर किसी ना किसी राशि नक्षत्र को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब आपके पास भी दो नक्षत्र हो गए, एक आपका नाम और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी ने नहीं सोचा आज तक कि क्या ये कंपैटिबल है, नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको मिला के बता देगा 36 में से कितने गुण मिलते हैं। डेमो आपके सामने अभी 2 मिनट के अंदर आने वाला है। ओके, तो करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा। थोड़ा सा जो चीज चलती आ रही है इतने टाइम से, जरूरी कि वो ठीक हो, थोड़ा अपने आपको अपग्रेड कीजिए और थोड़ा लॉजिकली सोचिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज चलती आ रही है जी एक नंबर गलत है, एक नंबर अच्छा है, ठीक है बस यही नंबर अच्छे और यही नंबर खराब है। कोई नंबर खराब नहीं है भाई, कोई नंबर खराब नहीं, ये तो न्यूमरोलॉजी है। अगर ये खराब ही होते ज्योतिष में, कभी आपने देखा है कोई कुंडली ऐसी दिखा देना मुझे जिसमें कोई प्लैनेट ना हो? हर प्लैनेट की इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से लाइफ के अंदर जैसे ज्योतिष में हम प्लैनेट देखते हैं, ये न्यूमरोलॉजी में ये भी प्लैनेट है, सिर्फ नंबर का रूप है ये। भाभी तो बोलते हैं 1 नंबर क्या सूर्य से, 2 नंबर क्या चंद्रमा, 3 नंबर क्या बृहस्पति, 4 नंबर क्या राहु, 5 नंबर क्या मरकरी। तो वहां भी तो आप प्लैनेट ना बोल के नंबर्स के फॉर्म में उनको याद कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहली बात, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो लाइफ में सारे नंबर होने चाहिए। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है कोशिश करेंगे वो नाम में आ जाए, और नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, उनकी रेमेडी करेंगे, क्या दिक्कत है फिर। और अभी सभी के आपके क्वेश्चन आंसर मैं लेके जाऊंगा, और हम थोड़ा सा आपके दिखा दें एक दो चीजें, उसके बाद फिर आपके शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था डेस्टिनी नंबर का। ओके, डेस्टिनी नंबर क्या है? आपका नाम। डेस्टिनी नंबर जो निकलता है आपके नाम से निकलता है। और आपको ये बताने के लिए हम स्लाइड आपके सामने खोली है मैंने, कि हमारा 21 तारीख को, 21 जून से मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 6 to 8 हमारा बैच रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। लगभग लगभग आपकी 20 से 22 क्लासेस कम से कम होंगी, जिसकी कोर्स की फीस है 12,500 प्लस में GST। ओके, इस कोर्स में हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देंगे। मेरे पास कम से कम भी 450-500 पेज की तो PPT है, ठीक है, दोनों, चाहे लोशो सिस्टम में आपको उसकी पूरी कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा, और पाइथागोरस का पूरा कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ ई मटेरियल भी है, 200 से 250 पेज का ई मटेरियल है, वो भी आपको दिया जाएगा। इसका मतलब है ये समझिए 800 पेजेस की तो आपको कम से कम कोर्स मटेरियल मिल रहा है, इतना कोर्स मटेरियल आपको कोई न्यूमरोलॉजी वाला नहीं देगा।
ओके, पूरा कंप्लीट कोर्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता न्यूमरोलॉजी के अंदर। पूरा ई सर्टिफिकेट आपको हम सभी को इशू करते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आपको पूरी क्लास की जो लाइव रिकॉर्डिंग है, जो आपका कोर्स आप कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग जो सेशन रिकॉर्ड होता है, एज इट इज रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है, और जिस पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ वही पीपीटी आपको दे दी जाती है। लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है हमारी तरफ से। इसके साथ है इतने ही कॉस्ट के, समझिए 12,500 में आपसे ले रहा हूँ, तो मोटा मोटा मैं कम से कम 10,000 से 11,000 रुपए के सॉफ्टवेयर आपको दे रहा हूँ। उसमें 3,500 रुपए का नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, आपको डेमो दिखाऊंगा मैं अभी, और 7,000 रुपए का हमारा सॉफ्टवेयर है, 7,500 का, उसमें कुछ डिस्काउंट हम कर देते हैं, वो है पाइथागोरस सिस्टम का, ठीक है। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर यूज कीजिए आप और इंजॉय कीजिए। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, और आने वाले वक्त में जब कमर्शियल एंगल पर हम इसको बिल्कुल सजा के लॉन्च कर देंगे अपने सॉफ्टवेयर को, फिर आपको ये परचेज करना पड़ेगा हमारे साथ। तो अभी आपके पास ऑफर है कि आप इसको ले सकते हो। इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी में एक मिनट लूंगा मैं आपको, थोड़ा ये दिखा दें कि हम कराने क्या वाले हैं, उसके बाद आपके लाइव सेशन, लाइव क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर है 1 से लेकर 9 नंबर, इनके मतलब क्या है, फिर कंपाउंड नंबर होते हैं 10, 12, 15, 17, इनके क्या मतलब है, फिर कार्मिक नंबर है 13, 14, 16 और 19, दीस 4 नंबर आर कार्मिक नंबर, इन कार्मिक नंबर के मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिसने अपने चैलेंज नंबर और कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं की, ठीक है, तब तक आप जीवन में उन्नति नहीं पा सकते। ये डेट्स है आपकी लाइफ के, ये आपको भुगतान करना पड़ेगा, इनको आपको जीना पड़ेगा इन नंबर को, ठीक है, और की रेमेडी करनी पड़ेगी। जब तक अभी लेंगे एग्जांपल तब आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा है हमारे यहाँ जिस तरह कोई भी लो सिस्टम आप फॉलो करते हैं उसमें सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर है, इसके बाद कुछ नहीं है, और आजकल कुआ नंबर बड़ा आ गया भाई साहब, कुआ नंबर है तो धमाल धमाल मचा रखा आजकल, बोला कुआ नंबर हाथ पे लिख लो मिरेकल हो जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, सब सब जिसको देखो हाथ पे लिख के घूम रहा है, कुआ नंबर लिखे जाओ, ठीक है, लिखने से कुछ नहीं होगा, उस नंबर की, इस नंबर को जीना पड़ता है, प्रैक्टिकली जीना पड़ता है उस नंबर को, उस नंबर की मंत्रों की चैंटिंग करनी पड़ती है, उसके दान करने पड़ते हैं, उसको पहनना पड़ता है, लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, लिखने से इफेक्ट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ भी आप करते हैं तो इफेक्ट आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना आप सोच के बैठे हो, उसको जीना पड़ता है पहले, उस नंबर को जियो आप। इसके बाद हमारे यहां निकलते हैं 10 नंबर जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं आपकी लाइफ को, जिस तरह वहां ड्राइवर कंडक्टर है, हमारे पास 10 नंबर हैं, टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, चैलेंज नंबर, बर्थ नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, बर्थडे नंबर, फर्स्ट लेटर क्या आपके नाम का, फर्स्ट वोवल कौन सा आपके नाम के अंदर, ये 10 नंबर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर कोई दो नंबर आपस में सिंक्रोनाइज कैसे हो सकते हैं वो बताया जाएगा आपको। इसके बाद है आपका न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फॉर पीपल बॉर्न ऑन पर्टिकुलर डेट, कोई पर्टिकुलर डेट पे पैदा हुआ है तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप, मतलब 1 तारीख को, 1 से लेकर 31 तक पैदा होते हैं तो जनरल ट्रेट्स क्या निकलेंगे आपके, वो आपको बताया जाएगा। फिर पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, वो तो कॉमन सी चीज है, वो आपको निकालनी बताई जाएगी, और उसके मीनिंग क्या है, इनको लगाना कैसे एग्जैक्टली, कहां लगते हैं ये। पर्सनल ईयर की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं हम, जिसका भी पर्सनल ईयर वो चल रहा होगा उसके साथ वैसा हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बता रहे अब आप, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताने हैं तो उसका इवेंट नंबर निकालना पड़ेगा, और इवेंट नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथागोरस से मिलेगा, किसी उस सिस्टम में नहीं मिलेगा, हमारे बहुत सारे नंबर्स की पोर्ट होती है तब जाकर रिजल्ट निकलता है। फिर आपकी लाइफ में कौन से डेट आपके लिए लकी है, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर आपके लिए लकी रहेगा, फिर इंपॉर्टेंट डेज, मंथ और ईयर, ये आपको बताया जाएगा कौन से लकी है आपके लिए। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ नंबर, इंटेंसिटी ऑफ नंबर निकलता है आपके नाम से, हमारे यहाँ पाइथागोरस में नाम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप सोच नहीं सकते, सब कुछ नाम से हमारा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है आपके नाम में, आपका नाम पहली बार तो कितने अल्फाबेट का होना चाहिए, आइडियल नाम कितने अल्फाबेट का, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होने चाहिए। फिर आपके नाम के अंदर अगर 1 से लेकर 9 तक के सारे अल्फाबेट आते हैं तो वो नाम दी बेस्ट है, अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो कार्मिक लैक बन जाता है, उसका भुगतान करना पड़ेगा। उस नंबर से रिलेटेड आपके अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमियां आप फील करोगे, ठीक है, तो अगर आपको नाम में मिसिंग है तो कोई बात नहीं, उसकी रेमेडी कर लो, लेकिन अगर आपका मिसिंग भी है और आपने रेमेडी नहीं की तो उस नंबर की आपको भुगतान करना पड़ेगा, वो नंबर जो आपको देना चाह रहा था वो आपके कार्मिक लैक बन जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको इस समय, तो ये आपका निकलता है आपके नाम से। फिर दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर तो छोड़ दो आप, हमारे यहाँ टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर। टैलेंट नंबर है आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो है आपका टैलेंट नंबर। फिर जो आपका नाम है, आपके नाम में जितने अल्फाबेट यूज किए गए हैं, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि अपने नाम को आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और जब उसको ऐड करेंगे सबको तो आपका एक डेस्टिनी नंबर निकल कर आएगा। तो टैलेंट और डेस्टिनी दो नंबर आपकी गाड़ी के, मतलब आपके जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं या दो घोड़े हैं। अगर ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ की गाड़ी बहुत स्मूथली चलती रहेगी। दूसरा, अब ये दोनों नंबर कह क्या रहे हैं ये भी देखना आपने कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है। जैसे 18 मैंने बताया, तो 18 आपके हैं तो सिंपल सी बात है कि पैसे की तरफ जा रही है, पैसे की तरफ मुड़ेगी आपकी गाड़ी। लेकिन अगर आप प्यार नंबर को जीना चाहते हो, ठीक है, उसमें कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो फिर आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, फिर आपको स्ट्रॉन्ग रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके लिए पैदा ही नहीं हुए और वो चीज अपनी लाइफ में चाह रहे हो। सिंपल सी बात है ना, इंसान का नेचर कैसे चेंज होता है, जिसके लिए आप बने हो अपना नेचर चेंज करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर कंडीशन में आप चेंज कर पाते हो। तो जो इंसान जिसके लिए बनाया वो काम करे और जो कमी है उसको वैसे जी ले, उसकी रेमेडी कर ले, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ में चार तरह के टेम्परामेंट होते हैं आपके पास, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंट्यूशनल। टेम्परामेंट का मतलब है आपका स्वभाव, आपका लाइफ में नजरिया क्या है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को भी एडवाइस किसी को देते हो, तो आपका एक प्लेन है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि एक अच्छा हीलर वो बन पाएगा जिसका इंट्यूशनल प्लेन बहुत अच्छा होगा, इंट्यूशनल प्लेन बहुत अच्छा होगा। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होगा जिसका फिजिकल प्लेन अच्छा होगा, और थोड़ा मेंटल प्लेन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा कवि या कोई भी आर्ट में, अगर आप आर्ट वर्क में काम करते हैं, कोई भी आर्ट है आपके पास, कला, कला जिसको कला बोलते हैं, ठीक है, वो कला वो अच्छी इंसान कर पाएगा जिसके पास इमोशनल प्लेन है। इसका मतलब ये प्लेन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्लेन कैसे निकलते हैं, ये प्लेन निकलते हैं आपके नाम से। मैं फिर बता रहा हूं, जब कभी आप नाम में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, एक अल्फाबेट दो अल्फाबेट हटाया, कुछ आगे किया, तो आपका इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। और कोर्स में आएंगे तो बताऊंगा कि इंटेंसिटी चेंज होने के मतलब क्या है, या किस दिन मैं इसी टॉपिक के लिए लूंगा कि इंटेंसिटी कैसे लाइफ में आपका स्वभाव बदल जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं ऑकल्ट साइंस पढ़ाता हूं, इसका मतलब है ऑकल्ट साइंस पढ़ना और पढ़ाने का मतलब यह, अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं इसमें, तो आपका कोई प्लेन अच्छा हो ना हो, आपका इंट्यूशनल प्लेन, इंट्यूशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि प्रेडिक्शन, आप कोई भी सब्जेक्ट सीख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ढेरों सब्जेक्ट हैं ऑकल्ट साइंस में, लेकिन आप प्रेडिक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका इंट्यूशन प्लेन, इंट्यूशनल प्लेन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि प्रेडिक्शन कैलकुलेशन से नहीं आती, मैं हमेशा से कहता आया हूं, प्रेडिक्शन आती है आपकी आपकी इंट्यूशन से, कैलकुलेशन से कभी प्रेडिक्शन आ ही नहीं सकती, मैं तो हमेशा कह रहा हूं। क्यों? अगर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती तो ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अब तक सॉफ्टवेयर बना के आपको मार्केट से खत्म कर दिया होता उन्होंने, गूगल जैसों ने, लेकिन आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, वर्ल्ड में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना और ना लाइफ में बनेगा जो कि प्रेडिक्शन कर सके। प्रेडिक्शन एक इंसान कर सकता है, क्योंकि मशीन के पास, ठीक है, ये प्लेन होता ही नहीं है। मशीन के पास सिर्फ मेंटल प्लेन है बस, वो भी कैलकुलेशन वाला, इंट्यूशन प्लेन तो जीरो है, और बिना इंट्यूशन के आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाम जब आप चेंज करते हैं, तो नाम में जब भी कभी आपने अल्फाबेट को छेड़ा, कुछ हटाया, कुछ लाया, तो आपका प्लेन चेंज हो जाता है। मान लीजिए अगर मेरा काम मेंटल प्लेन का काम है, मैं दिमाग का काम करता हूं, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी उसी से चल रही है, मेरा प्रोफेशन उसी से चल रहा है, मेरा मेंटल वर्क से, और मैं, मेरी थोड़ी तकलीफ आई, मैं किसी न्यूरोलॉजी वाले के पास चला गया और फंस गया लोशू वाले के पास, वो क्या करेगा, नाम तो चेंज किया बिना मानेगा नहीं, बिल्कुल नाम तो चेंज करते हैं, नो डाउट। जैसे उसने नाम चेंज किया, पता लगा नाम चेंज करते आपका टेम्परामेंट तो चेंज होगा, पता लगे मेंटल से आप फिजिकल प्लेन या इमोशनल प्लेन के इंसान हो गए, मेंटल प्लेन के नंबर खत्म हो गए और आप इमोशनल के या फिजिकल प्लेन के नंबर उससे ले आए, आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता जिसने किया, उसको भी नहीं पता। कुछ दिन बाद जब उस नंबर, वो नंबर एक्टिवेट होंगे,
तो जहां पर आपकी वाह हुआ करती थी अपनी फील्ड के अंदर कि भाई कितना अच्छा दिमाग है, कितना अच्छा डिजाइन बनाता है, क्या थॉट है अगले के, आप ना खत्म, आपका कैरियर खत्म है, क्योंकि आपका मेंटल पेन खत्म हो चुका है। अब आप जो भी चीज सोचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल या प्रैक्टिकली सोचेंगे आप, ठीक, तो आपका खत्म। तो इस वजह से आप जब नाम चेंज कराएं तो सोच समझ के कराएं। इसके बाद बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे पास, बर्थ फॉर पीरियड आता है, पिनेकल आता है, इवेंट नंबर आते हैं, ठीक है, कैसे निकलते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, वो सारा आपको बताया जाएगा। फिर आपकी पर्सनल लाइफ में दो इंसानों की कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है, मजे की बात कंपैटिबिलिटी अलग अलग तरीके से देखी जाती है। जब आप कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप की देखते हैं तो उसके मतलब अलग है, और जब आप कंपैटिबिलिटी बिजनेस के लिए देखेंगे तो उसके मतलब अलग है। तो दोनों ही कंपैटिबिलिटी अलग अलग तरीके से देखी जाती है। फिर किस डेट ऑफ बर्थ में आप पैदा हुए हैं, तो आपका वोकेशन, आपका प्रोफेशन कौन सा हो सकता है, आपके हेल्थ कौन से, हेल्थ इश्यू कौन कौन से आपके पास आ सकते हैं, आपका नाम, आपका सिटी आपको सूट करता है क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर कितने पे लाएंगे, आपका घर नंबर कितने पे आएगा, कौन से नंबर के आप व्हीकल खरीदेंगे, मतलब जितने भी आप सोच सकते हैं वो सारा सारा कोर्स में हमारा कवर है। फिर नाम चेंज करना है तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है वो आपको सिखाई जाएंगे। इसके बाद पूरा हमारा बहुत बहुत लंबा कोर्स है, उसके बारे में डिस्कस जब कोर्स में आप आएंगे तब आपको बता देंगे कैसे करना है। इसका लोसो सिस्टम में भी पूरा पढ़ाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, एरो स्ट्रेंथ, एरो, जितनी भी एरो तरह की एरो बनती है, कोई नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे अपनी लाइफ में लाएंगे। दूसरा फाइव एलिमेंट थ्योरी आपको वास्तु में पढ़ाने वाला हूं, नंबर से कैसे वास्तु करेंगे, और रेमेडी तो हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारा कोर्स है पूरा, तो जिसने भी करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स की फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोर्स कंटेंट को देखते हुए, और जो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर देगा आपको, और हम भी इसलिए दे रहे हैं कि हमने खुद डेवलप किए हैं ये सॉफ्टवेयर, और जो पैसा लगा है थोड़ा बहुत ठीक है। चलो जी, तो अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, थोड़ा आपको बताएंगे कि एक दो एग्जांपल लेकर बताएंगे आपको। पूनम जी आप पहले दिखा चुके हो, इशाल शादी होगी नहीं होगी, चलो देखते हैं भाई जिसका नंबर आएगा, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ जी, सभी म्यूट रखेंगे प्लीज, सभी म्यूट रखेंगे, मैं जिसका नाम लूंगा वो बोले। पूनम जायसवाल, पूनम जी पहले आ चुके हो क्या आप? हाँ सर, मैं बहुत बार आपके वेबिनार अटेंड किया और मैं लगता हूं कि आपने मुझे हर बार अलाउ किया है बोलने के लिए। हर बार अलाउ किया मैंने, अच्छा चलो, कुछ नाम ना छप जाते हैं दिल दिमाग में। नेक्स्ट बैच में टैरो का आपका ज्वाइन कर रही हूं, उसके बाद टैरो आप ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। देखिए ये भी हमारी स्ट्रेंथ है, कोई एक कोर्स आप मेरे से कर लीजिए, जब कभी दूसरा कोर्स करने का दिमाग में आपको आएगा ना तो पहला नाम मेरा ही आएगा, ये भी गारंटी है। उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी करूंगी, पहले टैरो करूंगी, कोई बात नहीं, जब मर्जी कर लेना। सर मैं एक अपनी फ्रेंड के ब्रदर का पूछना चाहती हूँ, उसका बहुत बुरा हाल है, 6 साल से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, अच्छा। और अब उसके वो हाल हो गई कि लग नहीं रही है, और वो कह रहा है कि मैं स्कूल की नौकरी करूंगा लेकिन यही करूंगा, अच्छा। बच्चा डिप्रेशन में भी जा रहा है, तो उसका क्या होगा? 13/9/1992 उसका डेट ऑफ बर्थ। पेन ले लूं, अभी मैं पेन लेना भूल गया, एक मिनट रुकिए बस, पेन उठा लो अपना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेन से होंगी। चलो सबसे पहले देखते हैं इनका चार्ट बनाते हैं, और इसके अगले वाले जो क्वेश्चन लूंगा तो उसमें फिर आपका मतलब जिसका भी नंबर आएगा उसमें उसका नाम भी बताएंगे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि उसका उनका नाम कैसा कंपैटिबल है या नहीं है। चलो जी, हमारा पहला सॉफ्टवेयर निकल के आया है,
सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, वरना मैं सभी को म्यूट कर दूंगा फिर। बताओ मैम डेट ऑफ बताओ बच्चे की। सर उसका डेट ऑफ बर्थ 13/1992 13 अक्टूबर नहीं सितंबर 9। देखो ये सारी सॉफ्टवेयर हमारा शक्ल पे मत जाना अभी, सॉफ्टवेयर की शक्ल हमने सजाई नहीं अभी, जब बेचना शुरू करेंगे तब सजा देंगे इसको। और नाम बताइए बच्चे का, नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांश DIVYANSH दिव्यांश आगे क्या लगता है? दिव्यांशु सक्सेना। दिव्यांशु यू भी आएगा? यस सर। दिव्यांशु आगे क्या है? सक्सेना SAX हाँ जी ENA ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग गलत ना हो जाए ना, गलत होती सारे कैलकुलेशन गलत होगी। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट करेंगे आप तो पूरा चार्ट बनकर आया था हमारा, ये देखिए 13 सितंबर बोल रही है, 9 सितंबर बोला, 13 बोला मैडम, 13 बोला है सर, 13 बोला तो 13 कर देंगे मैडम, 2 मिनट लगते हैं इसमें हमें क्या है। ये लीजिए 13 हो गया और दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ गया निकल कर। ठीक है अब देखिए बच्चा आप क्या कह रहे थे सर, 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है और वो प्राइवेट में नहीं जाना चाह रहा है और बोलता है मैं प्यून की करूंगा लेकिन गवर्नमेंट ही करूंगा, उसकी हालत बहुत खराब। सबसे पहले तो देखो मैडम इसके बाद जो टैलेंट नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, ठीक है। अभी मैं तो अभी डेटों पर देख रहा हूँ, कभी इसकी कुंडली देखेंगे तो और भी बता देंगे इसके बारे में कि क्या गवर्नमेंट जॉब के इसके योग बनते नहीं बनते, लेकिन आप इसकी सिर्फ डेट और डेट देख कर, ठीक है, इसकी डेट देख कर इसके गवर्नमेंट जॉब के कोई चांस नहीं बनते, कोई चांस नहीं। 7 नंबर है, 7 नंबर स्पिरिचुअल का नंबर है, इसका डेस्टिनी और टैलेंट दोनों ही 7 नंबर है, ठीक है। ये रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब वाले नंबर है वो नंबर नहीं है, ठीक है। नाम बच्चा लगा इसलिए हुआ है, उसके नाम के अंदर दिव्यांश सक्सेना के अंदर 1 नंबर 5 बार है, ठीक है। नाम बहुत अच्छा है उसका, सिर्फ 2 नंबर नहीं है इसके पास बच्चे के पास, और 2 नंबर इसका हार्ट नंबर आ रहा है, वैसे नाम बहुत बढ़िया है। इसको ये बोलो, सिर्फ ये बोल दो कि एक ऑप्शन खुला छोड़ दे, एक खुला ऑप्शन छोड़ दे तो इसको बेटर अपॉर्चुनिटीज की लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। कई बार होता है ना कि इंसान किसी और चीज के लिए बनाए और आप भाग किसी और मांग को छोड़ रहे हो, तो प्राइवेट में जाने बोल दो। हाँ इसको बोलो किसी किसी फील्ड में आप जा चाहे, ये नहीं है कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी जाना है, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब के नंबर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट जॉब के नंबर लिख सकते हो आप जिसकी किसकी लगती है, जिसके पास 1 in 8 नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, बहुत कम चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के एज पर न्यूमरोलॉजी एज पर डेट ऑफ बर्थ। कई बार कहता है ज्योतिष में कुछ इसके पास पूछता है अच्छे योग हो, ठीक है, उसका जो कुंडली है 92 and 94, ठीक है, ठीक है जी। और चार पांच चार नौ, ठीक है। बच्चे का अगला साल जो आ रहा है मैडम 2022, इसके लिए कुछ अच्छी खुशियां लेकर आ रहा है वो, अभी 6 महीने तकलीफ में और गुजारने पड़ेंगे बच्चे को, अगले साल के बाद इसकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, ये बता देना उनको बस। ओके एक ऑप्शन खुला छोड़ दे, और अगर इसको हम रेमेडी देना चाहेंगे तो सिर्फ इनको बोलो किसी भी देवी की उपासना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका ना कार्मिक नंबर बना हुआ अल्टीमेट नंबर, ठीक है, और बर्थ नंबर भी इनका कार्मिक नंबर है, समझ में आ गया जिसको मैं अभी बोल रहा था पीछे कि जब तक आप कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं करोगे तब तक लाइफ में ये नंबर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप जिसका भी कार्मिक नंबर होगा लाइफ में स्ट्रगल आएगी, नो डाउट, हर वो चीज जो दुनिया को आसानी से मिल जाती है आपको नहीं मिलने वाली। वैसे भी समझ लेना जब कभी लाइफ में जो काम दुनिया को बड़ा इजीली मिल जा रहा है आपको नहीं मिल रहा, तो 2 चीजें इसके पीछे होंगी। पहली बात आपका ड्राइवर और कंडक्टर की बात नहीं है यहाँ पर है टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात है जब तक आपके नंबर में हमारे पास 10 नंबर है, देखिए अगर इसमें कोई कार्मिक नंबर आ गया तब जब तक आप कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं करेंगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है मैडम। तो इनको सिर्फ ये बोल दो किसी देवी की उपासना शुरू कर दे, और जितना हो सके
जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का, अगर ये हिंदू है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इनको बोलिए कर लीजिएगा। यही रेमेडी आप मेरे से 2100 रुपए की, सिर्फ 2100 रुपए की कंसल्टेशन से मैं इतनी ही रेमेडी बताने वाला था, ठीक है। बात ये नहीं होती मैं 10 रेमेडी बता रहा हूं, बात यह है कि जो रेमेडी बिल्कुल आपके लिए सटीक है, रामबाण इलाज है, वो मैं आपको बताता हूं। तो बेशक आप यहां अपना टाइम देकर जुड़े हैं, ठीक है, मेरे से अकेले में कंसल्टेशन लेंगे तो भी मेरा तरीका यही है। मैं वहां पर को नहीं, ठीक है, वो चीजें डीपली देखते हैं और बहुत सारे नंबर्स हम एनालाइज करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मैं रेमेडी आपको यहां बताता हूं, यकीन मानिएगा वही रेमेडी अगर आप 2100 रुपए खर्च करके मेरे से लेंगे तो भी रेमेडी वही मिलेगी, ठीक है मैडम। सर थैंक यू वेरी मच। चलो जी नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं, रचना सेठी। रचना सेठी जी प्लीज। यस इवनिंग सर। सर माय डेट ऑफ बर्थ इज 31 जुलाई 1970। 31 जुलाई। हां जी सर। एक और है, छोटा सा डाउट भी क्लियर करना है। मेरा पहले नेम रचना अरोड़ा ही था, डॉक्यूमेंट्स में भी वही है। मैरिज के बाद मैं यही लिखने लगी, अब चल रहा है तो मुझे आप देख के यही बताना आज खास, मैंने इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये बात है। जब कभी आप नाम चेंज करते हैं तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आते, मान लीजिए शादी के बाद जब बच्चों के नाम चेंज होते हैं, ऑब्वियसली लड़की का नाम चेंज होगा, कास्ट चेंज हो जाएगी, तो एक दिन में असर नहीं पड़ता। हाँ ये भी मैं बता दूं आपको, जो लोशू वाले कहते हैं ना कि नाम आज चेंज करो कल से रिजल्ट देखना, भाई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं बनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी कि आज नाम चेंज किया आपने और कल से पैसे बरसने शुरू हो जाएंगे। ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो बोलने वाला बेवकूफ, और जो मान रहा है वो उससे बड़ा बेवकूफ। मैं तो ओपनली बोलता हूँ बात, क्योंकि मुझे ना दर्द आता है, मतलब किसी को मिसगाइड कर रहे हो यार, तुम मिसलीड कर रहे हो किसी को, नहीं बताना। कमाने के और 100 तरीके हैं, क्यों किसी को बेचारा उम्मीद मांग के बैठेगा, भैया मैं एक ए लेके आया किसी के यहाँ से, ठीक है, एक ए मेरे नाम में लगा दिया, बस वो बेचारा इसी में जिंदा रहता है कि कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। टाइम लगता है किसी भी चीज को आने में। जब कभी आप नाम चेंज करते हैं तो कम से कम 6 महीने, कम से कम बता रहा हूँ, और कई बार सालों 2-3 साल तक लग जाते हैं उस नाम की एनर्जी पूरी आपको मिलते मिलते, और किसी को तो मिलती भी नहीं है। ये मतलब बताइए मैडम, नाम बताइए। आज समझ आ रहा है। हाँ जी नाम बताइए मैडम। रचना, आर ए सी एच ए एन ए सी एच एन ए, नहीं डालना सर, एच एन, ठीक है कोई नहीं। आगे आगे आपको मैंने बता ही दिया है, जो मैंने आप ही चेंज किया मैरिज के बाद। यूज कर रहे हो आप अभी, और कितने टाइम से यूज कर रहे हो वो नाम? 25 ईयर से तो रचना सेठी लिख रही हूँ, बट मुझे थोड़ा अपने आप में लग रहा है कि आपका लॉजिक सही है, मुझे वही रहने देना चाहिए था, क्योंकि फर्क पड़ा है मेरा, बढ़ गया है। चलो सेठी है ना, सेठी लिख रहे थे ना, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ जी आप चेक कर सकते हो, हमें तो आता नहीं है। सिटी से तो मैडम सॉफ्टवेयर मेरा हैंग कर रहा है। कोई नहीं, देखो मतलब इतना वो हो गया है, रॉन्ग हो गया है ये। नहीं नहीं रॉन्ग नहीं हो गया, वो वैसे अटक गया था मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। सही है। आप देखिए रचना सेठी के हिसाब से आपका टैलेंट नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 7 है आपका, ठीक है। अब आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, फिर मैं बताऊंगा। आप सब कुछ ही बता दो, जो अच्छा भी बता दो और जो बुरा है वो बड़ा, फिर वो अलग से लेनी पड़ेगी ना कंसल्टेंसी। यहाँ तो टू द पॉइंट बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, आपको क्या लगता है कि भाई आपको क्या लाइफ में मिला क्या नहीं मिला। सबसे पहले देखिए आपकी सेठी के हिसाब से आपकी दिल की डिजायर कभी पूरी नहीं हुई है, दिल की डिजायर के लिए जूझते रहे हो आप, वो आपको बताओ आपके दिल की डिजायर क्या है। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं कि आपके दिल की डिजायर जानू। हाँ जी हाँ जी ठीक है। डिजायर, दिल की इच्छा पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा लाइफ में। हाँ जी, एक तो जॉब नहीं मिली, आगे पढ़ाई करने का सोचा था वो नहीं हुई, बेटा मैं स्पिरिचुअल लाइन में चली गई हूँ, वो थोड़ा चलो ठीक है। अब मैडम 1 और 7 आपको लेके स्पिरिचुअल लाइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हाँ जी
डिजायर वो रखो पहली बात तो, हार्ट नंबर अगर देखिए आपका कार्मिक नंबर बनता है इस नाम सर से कार्मिक आपको। नंबर है कोई? हाँ जी कार्मिक नंबर है मैडम 16, सिक्सटीन चार ओके नंबर कार्मिक नंबर होते हैं, ये निकाल लेना अपने अपने, हमारे यहाँ सिस्टम में निकलते हैं कार्मिक नंबर। मैं हाँ जी सर वो थर्ड बताया था आपने बत्ती बार 13 बता14 चुका हूँ, मैं हर वेबिनार में, आज नहीं बताया मैंने क्योंकि हर बात रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो ये नंबर निकलते कैसे हैं, टैलेंट डेस्टिनी हार्ट पर्सनैलिटी अल्टीमेट, ठीक है, नेम नंबर हैबिट नंबर, ये निकलते कैसे हैं मेरे पुराने वेबिनार में देख लेना और सब सब निकाल के रख ठीक लो, पता लग जाएगा ठीक है आपको। सर। मेरा क्वेश्चन है कि मैं जितना हार्डवर्क किया उतनी सक्सेस मिली नहीं मुझे। ठीक है कोई हाँ बात जी नहीं आप, मैडम, हाँ जी आप जब तक डेस्टिनी नंबर 7 रहेगा तो मटेरियल सुख उतना नहीं मिलने वाला जितना सोच के बैठे हो, पहली बात। 7 नंबर अगर आपका डेस्टिनी नंबर बन जाए ना, या टेल नंबर भी 7 बन जाए तो बुढ़ापे में आराम मिलता है, जीवान जवानी ऐसी जाती है। तो सर फिर अरोड़ा ही रहने देना चाहिए। हाँ अभी अरोड़ा से भी चेक कर लेते हैं मैडम, इसमें क्या हो जी रहा है, हमें कौन सा कैलकुलेट करना है यहाँ पर, यही तो फायदा है सॉफ्टवेयर का, और ये हम आपको फ्री में देते हैं, ठीक है। और मैडम अरोड़ा करोगे तो पैसे कमा लोगे, यहाँ पर आगे ना 1 8, अब अच्छा आपकी च्वाइस है, देखिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपका नाम नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है आप जब कभी किसी नॉलेज वाले के पास जाते हैं वो अपने हिसाब से नाम चेंज करता है आपका, यानी कि नाम चेंज करने का मतलब है हमारे यहाँ डेस्टिनी को डिजाइन करना, डेस्टिनी चेंज करना, ठीक ठीक है, और आपसे बिना पूछे आपकी डेस्टिनी को चेंज कर रहा है, सोचो, मैं नहीं करता, मैं आपसे पूछता हूं। अब यहां पर देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा मैडम, सेठी रखोगे तो स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी, अरोड़ा करोगे तो मटेरियल लाइफ बढ़ेगी, चॉइस इज योर्स, करना क्या चाहते हो, मर्जी आपकी। तो सर आप ही सुजेस्ट करो। मैं नहीं सजेस्ट करता, मैं कौन होता हूं, मैं आपको दोनों अच्छी बुरी बातें दोनों बता दी मैंने आपको, चॉइस आपकी है। तो सर वो जो अब हो चुका है उसके लिए जो कार्मिक नंबर अब तो मेरे को मिल चुका नहीं उसकी नहीं रेमेडी। कार्मिक नंबर की रेमेडी तो मैं फिर भी कराऊंगा, क्योंकि 25 साल सेठी की फोर्स आपके पीछे पड़ी रही, हाँ जी हाँ जी और वो नाम ऐसा होगा जो रेंडमली आपने रखा होगा या पेरेंट्स ने रखा होगा, है ना, जी तो जब कोई रेंडमली नाम रख दिया जाता है तो वो कार्मिक नंबर जो आपकी पिछली लाइफ से आप लेकर आए हैं वो नंबर आपके सामने आते हैं, बेशक आप अरोड़ा लिखना शुरू करो लेकिन फिर भी ये कार्मिक नंबर 25 साल आपने जो जिया है या पीछे जो जितनी भी लाइफ आप जीते रहे हो इस नाम के साथ, वो एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएंगी, कोई आदत एक दिन में खत्म हो सकती है क्या, आप ये बताइए, आप अगर हाँ चाय जी भी 25 साल से पी रहे हो ना तो चाय भी एक दिन में नहीं छूटेगी आपकी, उसके तो लिए तो सर दवाई खानी पड़ेगी या धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। मैं करूंगी सर आप मुझे बताओ पहाड़ भी चढ़ने के लिए बोलोगे वो भी चढ़ अब क्या, करेंगे नहीं, पहाड़ नहीं चलवाना मैडम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अब चाहते क्या हो आप पैसा कमाना चाहते हो तो अरोड़ा पे नाम ले आइए, पहली बात तो सर। अब तो प्रायोरिटी सबके नहीं, वो ऐसी ऐसी तो योगा बात नहीं मैडम, जाएगा चलो तो ये नाम अरोड़ा ले आइए मैडम, पैसे के नंबर आपके पास आ जाएंगे, और ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कल से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, यस सर आप अपॉर्चुनिटी तो मिलनी बहुत शुरू हो हार्ड जाएगी, वर्क कोई बात नहीं मैडम, मिल जाएगी, बहुत वन वर्क एंड किया सेवन ने हार्ड वर्क आपने। कराया आपको, नो डाउट, लेकिन अब जो आपने हार्ड वर्क किया इसका मतलब, पहले पहले तो समझिए कृष्ण जी ने क्या बोला है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, ठीक है, तो हर कर्म का फल मिलता है, ये नहीं कि हम सिर्फ ये रहता है कि हम जब कर्म करते हैं हमें रिजल्ट आज ही चाहिए होता है, वो ईश्वर डिसाइड करता है कि मिलेगा कब, लेकिन मिलेगा जरूर, ये तो सब्र करो, किसी की आरडी मैच्योर 1 साल में होती है, किसी की 10 साल में होती है, लेकिन होगी जरूर अगर पैसा डाला है तो, ठीक है, तो अरोड़ा पे ले आइए मैडम, सबसे पहले तो आप अरोड़ा पे ले आइए, और यहाँ पर आपके पास कार्मिक नंबर नहीं है लेकिन कार्मिक नंबर की रेमेडी मैं फिर भी तो आपको जरूर दूंगा, 7 नंबर केतु की रेमेडी मैडम, गणेश जी की रोज आपने उपासना करनी करनी है, ठीक है ठीक है, और कुछ रेमेडी ऐसी होती है मैं ओपनली या नहीं बोल सकता, ठीक है, बोलनी ठीक नहीं होती, तो इतनी आप कर लीजिए क्योंकि वो पर्सनल कंसल्टेशन होती है ना, तो वहां फिर हम कुछ और रेमेडी आपको बता सकते हैं कि भाई इस तरह की जो भी इस तरह की होते हैं, लेकिन ओपनली हम सारी चीजें रिवील नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए नहीं कि मैं बताना नहीं चाह रहा, कुछ ऐसी चीजें होती है कि डिस्कस नहीं करनी चाहिए, नहीं सर आपको पर्सनली फोन नंबर कभी कर लेना आप कोई बात नहीं देख लेंगे। चलो दूसरा यह है कि सबसे पहले मैडम गणेश जी को पकड़ लीजिए, ओके, जितना स्ट्रीट डॉग की सेवा करेंगे, सेवा का मतलब ये नहीं घर में पाल लेना, नहीं मतलब नहीं उनको हाँ फीड कराओ जैसे गली के कुत्ते होते हैं जी उनका, वो तो उनको बिल्कुल कराइए, उनको कराइए, ठीक है, और कभी कभी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी आपने रखनी है, उसको ब्रेक नहीं करना, जितनी वो आप तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाते रहेंगे, ठीक है, उतने ही आपके कार्मिक खत्म होने शुरू हो जाएंगे, 4 नंबर 7 नंबर के, ठीक ठीक है है, वो छोड़ने नहीं है,
रिजोल्यूशन बना लेना, क्योंकि आप क्या होगा जैसे इस नंबर में आओगे तो स्पिरिचुअल की तरफ से आपका रुझान हटना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो रुझान रखना है, जानबूझकर रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये कर लीजिए, बाकी तो कमर्शियल एंगल पे तो जब आप देते हैं तो हम 10 रेमेडी और बता देते हैं आपको, लेकिन इतना कर लेंगे तो लाइफ सुधर जाएगी। तो सर ये नेम तो आप कह रहे हो ना, मैं अब ये नेम सही है बिल्कुल, इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना? कुछ नहीं करना मैडम, कुछ अरे मैडम नाम ऐड नहीं करना होता, नंबर ऐड करने से क्या होगा कि नंबर बदल जाएंगे ना, जहाँ पर कुछ है अब मान ले दो नंबर नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा अब दो आ जाएगा तो तीन खत्म हो जाएगा, कुछ तो जाएगा, कुछ आप नंबर ला रहे हो तो कुछ नंबर छूट भी जाते हैं, ऐसा होता है मैडम, ठीक है? तो आपको जो मैंने रेमेडी बताई सिर्फ वो कर लिए, और हम तो कहते हैं कोर्स करो सीखो, हम तो सिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, हम तो कहते हैं सीख लो, मैंने आपको बताया था आपका भला, मैं अगर आपको सिखा दूं सोचो तो आप कितने को भला करोगे, तो कहते सीख लो, ठीक है जी? हाँ जी, ओके जी, वेलकम। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे, मजेदार चीज है। ये देख रहे हैं, देख सभी को दिख रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, नेम में नाम का क्या हाल बना दिया इस बंदे ने, मतलब ये बंदा कहीं मिलेगा तो मैं पक्का इससे बोलूंगा कि भाई तूने अपने नाम के साथ क्या चीज फाड़ की है, बता दे, ये नाम आपको अच्छा लग रहा है क्या? सर इसको बोलेंगे कैसे, राजी? मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई बोलोगे क्या इसको, क्या बोलोगे इसको? पहाड़ से आवाज लगाई ऐसे आएगा सर ये तो? पता नहीं भाई साहब ये कहाँ वादियों में नाम चेंज करा गया था, इंसान कहाँ चेंज कराया था भगवान जाने। अब आपको क्या लग रहा है ये नाम? सर पोस्टमार्टम हो गया उसका, पोस्टमार्टम हो गया उसका, अब है ना सर्जरी शुरू करनी के बला, ये भी तोड़ मारो, ये भी निकाल मारो इसका, है ना पूरे ऑर्गन खत्म कर दो, आज तो इसको करोड़पति बना के छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे अक्षर इसकी नाम में ला देंगे, मजा आ जाएगा। और ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, तो अभी वेबिनार शुरू होने से पहले मैं खाली बैठा था, हाँ दो मिनट मेरे को मिले तो मैं हर टाइम को यूटिलाइज करता हूँ, तो मैं देखने लगा ऐसे ही खंगाल रहा था, वो निकल गया, मैंने कहा भाई ये क्या नजर आ गया, ठीक है? तो भाई कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, देखो क्या करेंगे, अगर मान ले अब देखिए इसने क्या किया है, अब इसने ना कोई नंबर को लाने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया, मतलब आपको नहीं पता लेकिन बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे पता है, कोई नंबर फोर्सफुली लाना चाह रहा है अपनी, अपने नाम को फोर्सफुली लाना चाह रहा है, क्योंकि किसी भी नाम में इसका इस तरह का है कि कोई और अल्फाबेट ऐड ही नहीं हो सकते जिसमें, और उसको नाम पे बुलाना था तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ला के वो नाम को उस पर लेकर आया, ओके इसका मतलब पहली बात तो ये है। दूसरा भाई नाम ही चाहिए था तो सिंपल राजीव रख लेता, उस नंबर को किसी और उसको अपनी लाइफ में ले आना क्या जरूरी है, गाड़ी नंबर ले आ, मोबाइल नंबर ले ले, ठीक है? उन नंबर की मैं आपको 10 तरह की रेमेडी बता दूंगा, एलिमेंट बेस्ड रेमेडी मेरे पास है, प्रैक्टिकली रेमेडी है मेरे पास, प्रैक्टिकल गारंटी के साथ वो नंबर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है, जरूर नहीं है कि यार ऐसा 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 जुर्म ना करो नाम के ऊपर की फिर सोचना पड़ेगा भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर जैसे हमने कंसल्टेशन किया या हमने कंसल्टेशन दिया, हाँ। हमने रेमेडी भी डिस्कस कर ली, हाँ जी। अब उसमें सर मुझे दो पॉइंट समझ में आते हैं, हाँ। एक तो हमारा एंटीट्यूड पावर कितने स्ट्रॉन्गली उसे करेक्ट रेमेडी बताता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी ये कि सामने वाला कितनी श्रद्धा से उसको फॉलो करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हाँ तो ये अगर दोनों चीजें सटीक बैठ गई, अपना कैलकुलेशन और उसकी श्रद्धा, तो कितने दिन में सर रेमेडी सक्सेसफुल हो जाती है? मैडम आप एक चीज और भूल रहे हो, आपके जाने से आप उसके जाने से नहीं होगा, डिवाइन ने अगर आपके साथ हाँ, लिखा होगा, असली पॉइंट ये है सर, ठीक है? बेसिकली क्या देखिए, कोई भी रेमेडी तब काम करती है जब पहले देने वाले का फेथ सिर्फ इंटेंशन ये ना हो सिर्फ पैसा कमाना है, कोई भी ऐसी रेमेडी जो सिर्फ आपको कमर्शियल एंगल से दी जा रही है वो काम नहीं कर रही, मैं फिर कह रहा हूँ
काम नहीं करेगी। दूसरा, पैसा सभी कमाते हैं नो डाउट, लेकिन अगर इंटेंशन ही सिर्फ ये है पैसा कमाने की, तो फिर वो रेमेडी क्या काम करेगी, भगवान मालिक है। दूसरा, आप उस रेमेडी को कितनी फेथ से करते हो, और लास्ट है डिवाइन, अगर आपकी कुछ मदद करनी होगी तो आप अच्छे कंसल्टेंट से मिल जाओगे और आपको एक अच्छी रेमेडी मिल जाएगी। अगर ये तीनों सिंक्रोनाइज हो जाए तो आप समझ लीजिएगा हमारे यहां बोला गया है कि 43 दिन से लेकर और 6 हफ्ते के बीच में रिजल्ट आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। सर कौन सा दिन सर इंग्लिश में नंबर बोले? 43 डेज से लेकर। ओके ठीक है, या तो 6 हफ्ते बोल देते हैं, कुछ लोग 6 हफ्ता बोलते हैं, 6 वीक, या हम 43 डेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आने के चांसेस बन जाते हैं। मतलब आपको चाहे मैं कह रहा हूं 19-20 का फर्क लगे, चाहे आपको एक कदम आगे बढ़े जीवन में आपका, चाहे एक रास्ते खुलने शुरू हो, कुछ ना कुछ आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं 43 डेज के बाद। वर्कआउट होगा मतलब? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर तीनों चीज सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट लेते हैं। सर संतोष, मैं देखिए मैं नाम बोलूंगा, कोई ऐसे बीच में ना बोले प्लीज। संतोष जी अपना संतोष जी। हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार यादव, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1971। नाम आप रखते हैं राजेश कुमार? राजेश कुमार यादव। हाँ जी बताओ राजेश जी। मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि मेरी जनवरी या फरवरी मार्च में मैंने जॉब कर रहा था, काम छोड़ दिया। हाँ। किसी कारणवश मैं अकाउंट्स की जॉब में हूँ। हाँ। अभी फिलहाल मेरे पास ना कोई काम है ना धंधा है, और मेरे को ये समझ नहीं आता मुझे करना क्या चाहिए, किस वे में जाना चाहिए। अच्छा, अभी दिमाग कभी अकाउंट्स का काम करते हैं ना? हाँ अकाउंट्स का काम। ठीक है सर, नंबर आपके पास है अकाउंट्स वाले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स की जॉब करता था और जॉब किसी कारणवश कोई हो गई तो मैं छोड़ दियो, अभी तक 4-5 महीने से खाली हूँ। अभी ऑफिस भी लिया है, वो भी काम काम के लिहाज से बहुत बढ़िया आ रहा है। ये जो साल चल रहा है ना आपका, ये साल थोड़ा सा अपने आपको एक्सप्लोर करने का था, अपने आपको मतलब परिवार के साथ जीने का, सोसाइटी के साथ जीने का, कुछ नई चीजें शुरुआत करने का, इस तरह का साल था ये। लेकिन जो आप इनकम की बात कर रहे हैं वो अगले साल से शुरू हो जाएगा। ये चलाना है, अभी साइज सिस्टम बिगड़ में ब्लॉक सा रहे, अभी मैं कौन से कपड़े का काम शुरू करने के मूड में था, सोच रहा हूँ काफी दिन से वो भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा पैसे की वजह से, तो क्या तरीका अपनाया जाए कि मुझे आगे ऑफिस भी लिया मैंने कि अकाउंट का काम करूं, शेयर मार्केट में भी जा रहा हूं तो शेयर मार्केट में भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो समझ में आता है एक रास्ता मैं किस तरफ जाऊं कि मैं ये काम कर सकूं। आपके पास है लाइफ में तो स्ट्रगल रहेगा, हर चीज में अड़चन आएगी आपको, और आपका भी 7 नंबर ही आया है, तो आप एक जनरल रेमेडी जो होती है हम बताते हैं सभी को, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपने भी गणेश जी की उपासना करनी है सर, गणेश जी को हर बुधवार के दिन आपने 4 लड्डू का भोग लगाना है, बूंदी वाले लड्डू होने चाहिए। ठीक है, 4 में से 3 लड्डू वहीं छोड़कर आने हैं आपने, सिर्फ 1 लड्डू घर पे प्रसाद के लेकर आना है। ठीक है ठीक है सर, एक तो मंदिर कर लें, और आप मंदिर में, हाँ जी मंदिर में जाकर सर, मंदिर में जाके करना है, तो सब लॉकडाउन खुल गया है। ठीक ठीक है, और इसके बाद साथ साथ आपको सर 6 नंबर की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके नाम में 6 नंबर मिसिंग है, और 6 नंबर आपके नाम में भी नहीं है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो आपका सब कुछ होते हुए सर आपने सुख नहीं भोगा चीजों का, यस और नो? सही बात है सर, देखो सर यहाँ से पकड़ में आती है चीजें, जॉब भी मैंने बस किसी जिद की वजह से जॉब भी छोड़ दी, अच्छी वाली जॉब चल रही थी 7-8 महीने से, 7-8 साल से जॉब भी छोड़ दी मैंने बस। चलो कोई नहीं, एक काम करो सर आप, पहली बात तो एक
अगर मौका लगे आपको तो एक ऑरेंज कार्नेलियन ब्रेसलेट आता है वो पहन लेना, ऑरेंज कार्नेलियन कार्नेलियन ठीक है, इसका एक ब्रेसलेट पहन लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा 6 नंबर की रेमेडी आप ये भी कर सकते हो सर, वृद्ध आश्रम में जाकर, ठीक है, वहां पर जो ओल्ड लेडीज मिलेगी आपको, तो उनकी जितनी सेवा कर सके, जैसे भी पैसे से, कपड़े से, खाने पीने से, जैसे भी आपका सक्षम रहा, तो वैसे जरूर सेवा शुरू कर दो। 6 नंबर जो लाइफ में मिसिंग है, सब कुछ होते भी आप जिंदगी को जी नहीं पाए, है ना, कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात, कमी नहीं है। अगर मैं पूछूं ना आपसे कमी क्या, शायद आप कभी बता भी नहीं पाएंगे, और मैं पूछूं आपने एंजॉय कितने की, वो भी नहीं बता पाएंगे आप। हां सर, ये बात सही है, एंजॉय तो कर ही है, पर इस समय मुसीबत बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, सर दिमाग में बहुत ज्यादा है, निकल जाएगा। तो अच्छा एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सर, क्या मैं कपड़े का काम में मेरे दिमाग में घुसा हुआ सर, अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाएंगे सर, आप जब तक 6 नंबर की रेमेडी नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया, पीछे से आवाज आ रही थी। अमरदीप कौर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी अमरदीप जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल। अमरदीप जी आपके लिए हम ज्योतिष भी देखेंगे। ओके सर, थैंक यू। दूसरा ये है कि मैं अमरदीप जी को भी बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम दूसरा जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं नेम नंबरोलॉजी, वो कैसे काम करता है। उसके लिए हमें 3 चीज चाहिए होती हैं, किसी भी इंसान का जानने के लिए, उनका जन्म नक्षत्र क्या है, उनका चरण क्या है, उनकी राशि क्या है, और ये कैसे निकलता है आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप सीख सकते हैं, वरना तो जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं हम आपको सिखा देते हैं कि वो निकलता कैसे है। अमरजीत जी बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। हाँ जी सर, 9 अप्रैल 1974। 1974 टाइम? टाइम शाम के 5:45 PM। बर्थ प्लेस? अमृतसर पंजाब। ठीक है, यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे डिटेल, किसी भी फ्री वाले सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वहां से 3 चीज चाहिए होती हैं। सबसे पहले देखो चंद्रमा कहाँ पर है इनका, इनका जो चंद्रमा बैठा है ये बैठा है लिब्रा साइन में, 7 नंबर लिब्रा साइन होता है, या जिसको हम बोलते हैं तुला राशि। तो मैडम आपका लिब्रा साइन है, नक्षत्र आप यहां से पता लगा सकते हो, मून का नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र में है, और तीसरे चरण में है। हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए होती है, और ये मैं आपको जब सॉफ्टवेयर लेते हैं बता देता हूँ कि पता कैसे करना है किसी भी सॉफ्टवेयर से, विशाखा नक्षत्र, तीसरा चरण और लिब्रा साइन। अब हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर बोल दिया हमने, ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है मैडम, ये आपको ये बताएगा कि आपने जो अपना नाम रखा है क्या वो ठीक है अक्षर आपके लिए, तब नाम चेंज करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से राशि मांगेगा ये हमारा सॉफ्टवेयर, राशि को क्लिक कर दीजिए लिब्रा, ठीक है, नक्षत्र मांगेगा विशाखा, विशाखा नक्षत्र कर दिया, और तीसरा चरण करेंगे तो तीसरा चरण ये अपने आप दिखाएगा, ये रहा तीसरा, तीसरा पेज। तो आपने नाम रखा है अमरदीप, ठीक है। हाँ जी। तो ये नाम का पहला अक्षर सिर्फ बता रहा है यहाँ पर। ओके। अब चेक नेम कंपैटिबिलिटी, तो क्या इस राशि नक्षत्र और इस चरण में पैदा हुए बच्चे का नाम आ से रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, यहाँ चेक नेम कंपैटिबिलिटी आप क्लिक करेंगे तो ये बता देगा। 21 गुण मिलते हैं मैडम। ओके। 36 में से, जबकि 28 एक बेंच मार्क है। हाँ जी। 28 से ऊपर मिलने चाहिए और आपको मिलते 21। ओके। ठीक है, तो अब आपका नाम कोई भी चेंज कर दे उसके रिजल्ट नहीं आने वाले, पहली बात। सर नाम चेंज नहीं करना। नहीं नाम तो चेंज करना भी नहीं चाहिए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। हाँ जी। मैं तो इस हक में होता ही नहीं कभी नाम चेंज किए, क्योंकि जो मिला ठीक है उसको, जो नहीं है उसको बढ़ा लो, किसी और दूसरे तरीके से बढ़ा लेंगे। हाँ जी। अब आपका नाम हमारा सॉफ्टवेयर ये भी बताता है कि किस अक्षर से रखना चाहिए था, सजेस्टेड नेम लेटर। आप पहले यहाँ रेमेडी कर सकते हो, मान लीजिए इसी नाम की है तो रेमेडी, यहाँ पर रेमेडी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर रेमेडी बता देगा, तारा और नाड़ी दोष है आपके उसमें, तो यहाँ पर रेमेडी लिखकर आ जाएगी, जो अपडेट सॉफ्टवेयर है उसमें लिखकर आ जाएगी कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। ओके। हाँ जी। सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। दूसरा सजेस्टेड नेम लेटर, तो अब हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं
हम ये माने कि कोई नया बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए आप पूछने आए हो, तो हम उसको बताने कि कौन से नाम से रखना चाहिए था। सजेस्टेड नेम लेटर में आप जाएंगे तो अगर आप रा या री से अपना नाम रखते हैं तो 36 में से 36 गुण मिल जाते हैं आपके, सोचो। या आप अपना नाम गू या गे से रखते ठीक है तो भी आपके 34 गुण मिल जाते 36 में से। अब इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है वो आप कोर्स में आते हैं तो मैं पूरा सिखा देता हूँ, ठीक है मैडम। तो आपका नाम थोड़ा सा आपके हिसाब से, तो सर जो हाँ जी, अब यहाँ पर देखते हैं हम एग्जैक्ट में। अब आती है न्यूमरोलॉजी की बारी। 19 क्या बताया था आपने, 1974 सर 9 अप्रैल 1974 ठीक है 9 अप्रैल। AMAR अमरदीप जी, हाँ AUR सर सर अमरदीप इकट्ठा है, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, हमें अल्फाबेट चाहिए यहाँ पर सर। ओके मैं नाम से नहीं, हमें अल्फाबेट कौन से यूज किए आपने सिर्फ उससे मतलब होता है। अब देखिए मैडम आपका टैलेंट नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर आपका 6 रख लिया गया, ठीक है। अब ये दो कोर्स ऐसे हैं, आपको 7 नंबर कह रहा है अपने अंदर खोना है और 6 नंबर कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ जी तो मैडम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपके ऊपर, क्या बताएं, यस और नो, समझ ही नहीं आता। दूसरा 5 नंबर में से जो ये होते हैं हमारे मेजर नंबर 5, ये अपनी हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, ये 5 नंबर हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ जी, ये 5 में से मैडम 2 तो कार्मिक नंबर लेके बैठे हो आप सर। हाँ जी, और कार्मिक की कोई रेमेडी की नहीं आपने, ऊपर से नाम भी आपका अक्षर भी पहला आपको कंपेटेबल नहीं, तो लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी रही है, मतलब मैं डरा नहीं रहा आपको, थोड़ा स्ट्रगल सर, पूरी। अब चलो मैं ये तो नहीं बोला मैडम पूरी, वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैडम जब तक कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं करोगे तब तक दिक्कत रहेगी। दूसरा आपके 2 घोड़े ना, या तो इनको मैनेज करना अगर आपको आता तो लाइफ आपकी अच्छी हो सकती थी। 6 और 7 का मतलब मैडम ये 2 घोड़े बिल्कुल एंटी हैं आपस में। 7 नंबर कह रहा है मैं मुझे ईस्ट में जाना है तो 6 नंबर कहेगा मुझे वेस्ट में जाना है। हाँ जी, तो लाइफ में हमेशा आपकी खींचतान चलती रही है कि इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं या उधर जाऊं, यस और नो, यही हो रहा है, ठीक है। आप अगर जीना नहीं सीखा नंबर से तो फिर आपकी कमी है ना सर, फिर क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना मैडम, रिलैक्स कर, जो दिया भगवान ने दिया कोई बात, रेमेडी बता देंगे, करो मन से कर लेना, लाइफ बेटर है, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर 6 आपके पास आई है, कार्मिक नंबर की रेमेडी कर लो। देखिए जब कभी भी हार्ट नंबर आपका कार्मिक नंबर बन जाए, हाँ जी, समझ लीजिएगा दिल की इच्छा पूरी करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दिल की इच्छा, बिल्कुल नंबर क्या बताता है आपकी दिल की इच्छा क्या है, वहां ही कार्मिक नंबर अगर आ गया, हाँ जी, क्या पूरी नहीं हो रही बस। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको मैं बोलूंगा कि टैलेंट नंबर आपका 7 है, हाँ जी, तो दिल में इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, पहली बात 7 नंबर है ना, इच्छा मत रखो, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं ना, इंसान है, इच्छाएं तो रहती है इंसान। तो मैडम सबसे पहले आप भी जो तक मैंने 16/7, क्योंकि आज देखो मजे की बात है, सबके 16 जितने भी डेट ऑफ बर्थ लिया सबके कार्मिक नंबर 16/7 आ रहे हैं, तो आप भी वही रेमेडी करें मैडम, सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, ठीक है जी, ओके। और स्ट्रीट डॉग को जितना फीड कराएंगे उतनी लाइफ में 7 नंबर एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा, ओके ओके। दूसरा है आपका 13/4 भी है, हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ में एक गुरु का अनुभव बहुत जरूरी है आपके साथ, ओके, क्योंकि जो 4th कार्मिक नंबर बना है आपका 13 में 1 और 3 आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। तो 1 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, 1 तो एक कॉमन नंबर होता है, 3 नंबर को जियो, इस लाइफ में अगर आपने गुरु नहीं बनाया है ये कार्मिक नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ओके। गुरु का मतलब मैडम वो राम रहीम या आशाराम से बच के रहना, हाँ जी, ठीक है, उनके चरण में मत जाना। गुरु का मतलब ये होता है कि अपने बड़े भी आपके गुरु बन सकते हैं, आपकी 5 सेंसेस भी आपके गुरु हैं, इनको डेवलप कर लो, आपके लिए तो बहुत इजी है, 7 नंबर टैलेंट नंबर लेके बैठे हो, कोई ऑकल्ट साइंस सीख लो, ऑकल्ट का साइंस, कोई हीलिंग, कोई इस तरह की चीजें सीख लोगे तो आपकी जो सेंसेस है ना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये अगर डेवलप होगी तो सबसे बड़ा गुरु आपकी सेंसेस होती है। सर मेरे पास ना पैसा नहीं टिक पाता, कोई काम में सक्सेस नहीं मिलती सर, मैंने ये कोर्स करना मेरे से प्रॉब्लम ही यही होता है। मैडम जब तक कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं करोगे लाइफ में बहुत कुछ दिक्कतें होती रहेंगी, ओके। नंबर है आपके पास 8 नंबर, ऐसी बात नहीं पैसा का नंबर नहीं है,
नंबर है, छह नंबर भी पैसा देगा, लेकिन जो टैली नंबर सात पैदा हुए ना, भगवान ने आपको पैसे के लिए नहीं बनाया, ये पैसा आपकी डिजायर है, भगवान ने सात नंबर पैदा किया है, सात नंबर का पैसे कोई लेना देना नहीं। ओके, समझ रहे हो बात को? ये आपकी आपकी सामाजिक डिजायर है, आपकी भी डिजायर नहीं है ये अंदर की, ये आपकी, अगर मैं बात करूं तो कई बार होता है ना, हम अपनी लाइफ तो छोड़ दो क्या जीते हैं, हम एक प्रेशर रहता है सामाजिक परिवार का प्रेशर, उसके लिए आप पैसा, उसके लिए पैसा चाहिए, आपको अपने लिए पैसा नहीं चाहिए। सर सच्ची बिल्कुल ठीक है, सच्ची बताओ मैं, आपको खुद के लिए नहीं चाहिए, आपको परिवार के लिए जिम्मेदारियों के लिए पैसा चाहिए, आप यस और नो? सर हाँ जी, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, पैसा कमाना ना मैडम, कमा लेंगे, सिर्फ एक दो मैंने बताया, गणेश जी को पाए कर लो आप, दूसरा कोई गुरु लाइफ में बना लो ना, जब तक कोई मिले कोई बात नहीं, जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग आपने हर वीरवार को 108 टाइम्स करनी करनी है। ओके, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम से गुरुवे नमः कर लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है सर, कोशिश कीजिएगा कि जब तक कोई गुरु नई लाइफ में मिलता तो साईं साईं जी को एक गुरु मान लो, और उनके मंदिर कभी कभी चले जाया करो, वहां पर प्रसाद चढ़ाए साईं मंदिर। सर एक्चुअली सर मैं अब गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी काफी मैंने मतलब सर वो उनको गुरु मानते हैं ना, तो सर कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी मान लो, किसी भी इंसान को गुरु मान लो बस, हाँ जी सर, चले जाइए कहीं मथा टेकाया करो जाके, जितना उनकी संगत में रहोगे, गुरु का आशीर्वाद जितना बना रहेगा ठीक है, उतनी हर्डल्स लाइफ में कम रहेंगे, ये याद रख लेगा सर। एक ना फैमिली लाइफ में सर वो बैलेंस चाहिए, नहीं है मैडम आ ही नहीं सकता, मैंने बताया ना, एक फैमिली लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों घोड़े आगे जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, आपको मैनेज करना नहीं आ रहा, मेंटेन कर लेते नो डाउट, आप में एबिलिटी थी, आठ नंबर है आपके पास, लेकिन वो दो दो कार्मिक नंबर आपके पीछे पड़े हैं ना, आठ नंबर और अल्टीमेट नंबर, ये आपको करने नहीं दे रहे, इनकी रेमेडी कर लीजिएगा, रस्ते अपना आप मिल जाएंगे, आप मैनेज करना सीख जाएंगे दोनों चीजों, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। और हम तो कह रहे हैं कोर्स सीखो, सीख के मजे लो, बड़ा दिल से पढ़ाते हैं और आपको मजा आएगा पढ़कर हमारे साथ। सर सीखना है सर, वो पैसे इकट्ठे ही कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, सीखना है और एस्ट्रोलॉजी का भी सीखना है आपको। चलो आप आ जाना, कोई बात नहीं, पैसे जब होंगे दे देना, और बताओ, ओपनली ऑफर दे रहा हूँ सर, सच में? हाँ अरे सच में, मतलब कोई इंसान 50 लोगों के बीच झूठ बोलेगा? नहीं सर, आपके लिए ऑफर है मैडम, आ जाना, सीख लेना, कभी भी सीख लेना, ठीक है? ओके सर, मैं आपको सर मैसेज कर दूंगा, और मैसेज कर देना, नाम लिख देना, अमरदीप कौर ही बताना बस, ठीक है सर, थैंक यू सर। भाई कोई और मत बोल देना, अमरदीप कौर, मैं फिर डेट भी याद है, डेट ऑफ बर्थ भी याद है मेरे को। ओके थैंक यू सर। अरे क्या हो गया, डिवाइन ने मैसेज दिया मुझे कि भी पढ़ा दो यार इनको, कैसे तो आई जाएगी, कोई पढ़ा देते हमारा क्या, पढ़ लेना। चलो जी नेक्स्ट ले रहे हैं हम, आज कोई वो नजर नहीं आ रहा जिसने अपने नाम को चेंज कर रखा हो, कोई मेल नजर नहीं आ रहा मुझे, भाई किसी ने मेल ने अपना हैंड रेज नहीं किया होगा, फिर ये बोलेंगे सर फीमेल का ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर देते हैं, अब सब हाथ ही उसके देख रहे हैं। सुभाष चंद्र आप ले चुके यार, आप तो स्टूडेंट ही हो मेरे, सुभाष जी अपने आप को अनम्यूट करना जरा, सुभाष जी आप मेरे स्टूडेंट ही हो ना सुभाष जी? नमस्कार सर। हाँ जी सुभाष। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, अच्छा और कैसे हो आप, कौन से ग्रुप में हो मेरे साथ, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो टैरो कर रहे हो? हाँ जी ठीक है सर। बाजी क्या कर रहे हो, मैं भूल जाता हूँ यार, कौन सा बच्चा कौन से कोर्स में है? दोनों सर। दोनों कर रहे हो? मैं सर दोनों कर रहा हूँ। अच्छा दोनों कर रहे हो, अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ के, नहीं आ रहा? चलो बढ़िया। कमलेश कुमार अपने आप को अनम्यूट करें, कमलेश जी, और कमलेश जी का पहले मैं नमस्कार आपका सर, नमस्कार, पहले आप सर कान नहीं लिया, पहले नहीं नहीं लिया सर, नहीं कोई बात नहीं, आज नंबर आ गया सर। सर देखिए मेरा कोई जानकार नहीं है, पर सिर्फ एक स्टूडेंट था मेरा, मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने कहा तू तो क्लास में पूछ लेगा, कोई बात नहीं, किसी को दूसरे का फायदा होगा।
इसलिए जिसका नहीं आएगा नंबर तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, रिवाइज नंबर चाहिए सर। हाँ जी बोलो सर। सर सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 25/9/2008। बच्चे का नाम 25/9/2008, बच्चे का नाम है हिमांशु HIMANSHU। हाँ SHU और सरनेम है CHAN DI RA MA NI जी सर। अब इसका सर वो एक तो नेचर और कैरियर के बारे में सर, ठीक है देख लेते हैं। हालांकि एज कम है लेकिन फिर भी एक बार। और ये टैलेंट नंबर बच्चे का कार्मिक बन कर आया है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है इसका तो अभी देख लेंगे, क्योंकि टैलेंट नंबर जब कार्मिक बनकर आ जाए ना तो कुछ चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ नंबर है। अब ये अगर कुछ बच्चे को कार्मिक नंबर ये बुरे भी अफेक्ट करेगा तो कुछ सिखाने के पर्पज से कर रहा है। जब कभी भी कार्मिक नंबर आपका टैलेंट नंबर बन जाए तो ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ये याद रख लेना, कुछ सिखाना चाह रहे। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चे को आपने पता है क्या क्या नाम था आपका, कमलेश जी, बच्चे को आपने एक आदत डेवलप करनी है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपने अनम्यूट कर लिया चाहिए। हाँ, सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। आपने बच्चे में एक एबिलिटी जनरेट करनी है, बच्चे को एक ये शिक्षा जरूर देना लाइफ में कि जो भी चीज तेरे पास एक्स्ट्रा हो कभी वो दूसरों को उससे हेल्प जरूर करनी है लाइफ में। जब कभी भी आपका 19/1 बनता है कार्मिक नंबर, ओके जी सर, तो वो आपका कार्मिक नंबर इसलिए बना है कि आपने अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का खुद से यूज किया है, खुद यूज किया। जी सर, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैं किसी पार्टी के ना साथ हूं ना अगेंस्ट हूं, मैं तो समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। हाँ सर। अच्छा राजा कौन होता है जो दुनिया के लिए काम करे, है ना? अब मोदी जी की गवर्नमेंट है, कोई आपने बहुत बड़ा स्कैम नहीं सुना होगा कि किसी मंत्री ने 1000 करोड़ खा लिए, है ना, उस मिनिस्ट्री ने इतने खा लिए। लेकिन जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो भाई साहब 2G 4G जीजा जी, है ना, पता नहीं कौन कौन से जी लग के आए थे। अब पता नहीं हुए नहीं हुए, भगवान जाने, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन वहां पर लगता तो ऐसी था ना कि सरकार सिर्फ अपने अपने लोगों को सपोर्ट कर रही है और उनके अपने अपने लोग पैसा खाए जा रहे हैं, यही तो मतलब था। अब यहाँ पर है कि मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पावर है वो घर सड़कें बनवानी, बैंक अकाउंट खोलने, शौचालय बनवाने, एक इंसान की जरूरत थी, बिल्कुल नीड, सबके लिए काम करना। और कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या दिखाई दे रहा था, मैं नहीं कह रहा मैं किसी की पार्टी के नागेश ना सपोर्ट करता हूँ, वहां पर ऐसा दिख रहा था कि यार ये बड़े बड़े लोग ही पैसा कमाए जा रहे हैं बस, है ना। अच्छा राजा वो होता है जो दुनिया के लिए काम करे, खुद के लिए ना काम करे। अगर कोई पावर मिली है ना तो भगवान ने दिया वो आपको, कोई आप इतने बड़े ऋषि मुनि नहीं हो गए कि आपने वो अर्जित कर लिया, ठीक है, ईश्वर ने आपको पावर दिया, पैसा दिया ना तो ईश्वर ने दिया, पावर दिया ईश्वर ने दिया, ज्ञान दिया ईश्वर ने, आपको चुना है ज्ञान के लिए तब आपके पास ज्ञान आया। इसका मतलब है जो भी चीज आपके पास है आज की डेट में वो आपके पूर्वजों की, आपका ईश्वर की दी हुई है, यू आर नथिंग। जी सर, बच्चे को कार्मिक नंबर बन के यह आया कि लास्ट जर्नी में बच्चे ने जो पावर है उसका मिसयूज किया है। अच्छा सर, तो इस जर्नी में पहली बात तो जो अपनी ड्यूटीज है वो ईमानदारी से करनी है बच्चे ने, पहली बात। दूसरा चीज एक्सेस है, मान ले पढ़ाई में बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज है, तो कुछ टाइम अपने ज्ञान को दुनिया को बांटे, पैसा भगवान की तरह से बहुत आ जाएगा इसके पास, क्योंकि पैसे के नंबर है इसके पास, कोई डाउट नहीं है, पैसे में बहुत अच्छा खेलेगा बच्चा एज पर डेट ऑफ बर्थ। जी सर, अब वो पैसे का यूज करे, ये नहीं कि अपने अपने लीजिए, कुछ धर्मात में लगा दे, किसी गरीब की सेवा करा दे, कोई आश्रम बनवा दे, ठीक है, किसी गरीब का इलाज करा दे, किसी बच्चे की शादी करा दे, मतलब जो भी कराना चाहे, मेरा मतलब अच्छे कामों में काम मिले, मतलब अच्छे काम, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे ने निभानी थी उसकी अपनी तो निभाए, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये मतलब है। जी सर, बस ये करवाना शुरू कर दो। और उसको बोलो सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग जरूर करे, सूर्य को जल जरूर दे। हाँ। ओके, और हो सके जितना भी ये गाय को गुड़ से रोटी खिलाएगा जी सर, ही लाइफ में तरक्की इसकी आती चली जाएगी। गाय को गुड़ से रोटी खिलाया ना। हाँ। बस ठीक है, आप ये कर और सर, कैरियर बढ़िया सर, मनी मटेरियल बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल का साफ है, बहुत दिखेगा ऐसा कि पैसे के लिए जी रहा है लेकिन अंदर से पैसा नहीं है, अंदर से स्पिरिचुअलिज्म है इसके, अंदर से कहीं ना कहीं एक वो ठहराव है, लेकिन बाहर जो पर्सनालिटी दिखाई देगी इसकी ऐसा नजर आएगा सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है।
हाँ बाहर से तो ये बड़ा वो कहता है कि भाई मैं बहुत हाई फाई सोचता है, और अंदर से लेकिन बड़ा वो सॉफ्ट है सर, बिल्कुल इनोसेंट है। बच्चे आप तो जानते हैं, मैं तो जानता नहीं, या तो आप तो इनोसेंट है सर। ठीक है, अभी ये कर लो सर क्या? और अभी बच्चे के 6 नंबर बच्चे के पास नहीं है, 6 नंबर की रेमेडी इसको करनी पड़ेगी। बच्चा अभी कितने का, कितने साल का हो गया ये? 13 साल के करीब, 13 साल का है ना, अभी अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी कभी फिर कभी पूछ लेना इसको, शुक्र की रेमेडी कराएंगे, लेकिन अभी मत कराओ। ठीक है, अभी नहीं करानी, जब बच्चा 3 महीने से बाहर निकल जाएगा तब इसको रेमेडी करनी होगी 6 नंबर। अभी अभी क्या करना है सर? सूर्य की, सिर्फ सूर्य की रेमेडी कराओ बस, बच्चे को अच्छे संस्कार दो जितने दे सकते हो बस, और कुछ नहीं। और गाय को रोटी दिलवाएंगे बस, बस। और करियर में सर क्या टेक्निकल साइड में डालें या किस एजुकेशन? टेक्निकल में ही जाएगा, जहाँ पर मेंटल वर्क का दिमाग का काम होगा वहां जाएगा बच्चा। इंजीनियरिंग या मेडिकल में? अरे बता तो दिया, जहाँ दिमाग कहाँ यूज होता है दिमाग, हाँ टेक्निकल फील्ड में दिमाग यूज होना है, तो बच्चा टेक्निकल ही करेगा। जी सर। ठीक है, बच्चे का मेंटल प्लेन देखो कितना हाई है, मेंटल प्लेन 8 नंबर आ रहे हैं मेंटल प्लेन पे। ये टेम्परामेंट बता रहा है बच्चे का, टेम्परामेंट क्या है। हाँ सर। ठीक है, तो 8 आ रहे हैं, बच्चा टेक्निकल फील्ड में जाएगा बस। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम, थैंक यू सर। तो सभी से पहली बार रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल है, फॉलो कर लो यार, कुछ सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। हम तो नॉलेज देना चाहते हैं और अच्छी एक ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं, एक अच्छे ज्ञान को आपके सामने रखते हैं, और जितने मिथ हैं चलते आ रहे हैं, हमारी एज ए काउंसलर मेरी ड्यूटी बनती है उनको निकाल कर, आपके जितनी त्रुटियां हैं आपके दिमाग में उनको दूर करना। तो आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ हर महीने ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 कोर्स के बैचेस हर महीने बनते हैं, और टैरो के तो महीने में 2 बार बनते हैं। टैरो में तो सिर्फ आप फ्री वेबिनार लिख देंगे ना या मेरा नाम ले देंगे, टैरो अपने आप ही निकल कर आ जाएगा, इतना मैं टैरो पढ़ा चुका हूँ। ओके, जो भी कोर्स आपने करना है तो ऑल आर वेलकम, पढ़िए सीखिए, एक बार कोर्स करेंगे तब आपको समझ आएगा हमारे हम देते क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या हमारा। चलो जी आगे चलते हैं। प्रिया जैन जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आपको। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया जी, मुझे पूछना था सर कि मेरा प्रिया जैन और प्रिया लुंकर दोनों नाम में लिख सकती हूँ? ठीक है, अभी मैं प्रिया जैन लिखती हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18th जुलाई 91। अब देखिए सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती आपको, हम सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं, जितने सीखना सीखिए आगे, और लो सिस्टम के जो भाग रहे हो वो वैसे सिखा दूंगा फ्री में, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। एक दिन तो मैं आने वाला है, आने वाले वक्त में लोशो फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि काम तो कुछ आता नहीं है, कम से कम आपके पैसे तो बचेंगे। बताओ बेटा नाम बताओ। प्रिया जैन। प्रिया, पी आर आई वाई ए जैन। जी ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और दूसरा भी बता दो बेटा, दोनों साथ साथ देख लेंगे। दूसरा नाम में प्रिया लुंकर, स्पेलिंग क्या है? लुंकर, LUN KAD KAD लुंकर। जी अब देखिए मैं कैलकुलेट करता तो मुझे टाइम लगता है ना, अब मेरे पास सामने दोनों नंबर सामने आ गए, यहाँ एकदम से जज कर लो, 4 नाम 10 नाम जितने रखने हैं ये विंडो खुलती चली जाएगी आपकी, वैसे बनाने लगोगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ जी ठीक है बेटा, अब लाइफ में चाहते क्या हो ये बताओ। सर वैसे तो मतलब ड्रीम तो ऐसा है कि लाइफ में बहुत बड़ा करना है और बहुत पैसे कमाने हैं और बहुत हेल्प करना है, बस ये ही मेरा ड्रीम है। ठीक है जी। देखिए 9 नंबर आपके पास है पहली बात तो, ठीक है। जब भी 9 नंबर आपके पास होता है ना, तो जो आप बड़ा करने की बात करें ना, बड़ा अपने लिए नहीं, एक नाम नेम फेम दुनिया के लिए है ना, तो आप दोनों से कर सकते हैं पहली बात। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर जाना चाहूंगा तो मैं इस लुंकड़ के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है ओके, में क्या है कार्मिक नंबर वहां भी आ रहा है, तो कार्मिक नंबर यहाँ भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लेकिन आपके यहाँ नाम में यहाँ पर मिसिंग नंबर 3 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर इसमें भी मिसिंग है, 6 भी इसमें मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है और यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर मिसिंग है। ठीक है जी, और सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर 9 और 6 आ रहे हैं हमारे पास, 9 और 6 में क्या होता है, सबसे पहले इंसान की फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले एक तो या तो इंसान त्याग दे अपने आप को, जैसे मोदी जी ने त्याग दिया संसार घर संसार सब छोड़ रखा है, ठीक है भाई, उन्होंने देश के लिए जीना है या एक ठीक है पार्टी के लिए जीना, जो भी उनकी मिशन रहा है, परिवार तो छोड़ दिया ना,
नॉर्मल इंसान को पहले सबसे पहले परिवार चाहिए, पारिवारिक जीवन जीना होता है उसको, है ना, अपनी ड्यूटीज पूरी करनी होती है। तो मेरे हिसाब से ये नाम आपको सबसे ज्यादा सूट करने वाला है। ठीक है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ट नंबर यहाँ पर फार्मिक नंबर 5 बनेगा। इस नंबर के साथ आप अगर आप जाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आपको आजादी चाहिए, दिल करेगा। मैं देखे दोनों की चीजें बता रहा हूँ, मर्जी आपकी है। दिल करेगा मुझे पंछी की तरह उड़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हमेशा रहेगी, जैसे वो होता है ना कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम अपने लिए, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि कभी बच्चे हैं, कभी परिवार है, कभी हस्बैंड है, कभी वाइफ है, कभी कुछ है, कभी सामाजिक दायरा है, वो सब उसमें उधेड़ में लगे रहते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के दबे तले दब जाते हैं और अपनी दिल की इच्छा जी नहीं पाते। अब इसकी अगर आपको रेमेडी चाहिए ना तो सिंपल है, छोटी छोटी खुशियों को जीना शुरू कर देना। ये मैं प्रैक्टिकल रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात होती है जो आप प्रैक्टिकली रेमेडी करते हैं ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके आते हैं। वो यंत्र मंत्र करोगे तो पता नहीं कब रिजल्ट आएंगे, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना कैसे करना है। छोटी छोटी खुशियों को जो है शुरू कर देना, बड़ी खुशी नहीं मिलने वाली। फिर बड़ी खुशी के लिए प्लान करोगे तो हो सकता है वो प्लानिंग पूरी ना हो आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आ जाएंगे आपके। ठीक है, आप सोचते रह जाओगे यार यूरोप टूर पे जाना है, पता लगे 10 साल से सोच रहे हो यूरोप टूर पे नहीं जा पाए, अरे नैनीताल चले जाओ ना, कोई बात नहीं यूरोप नहीं जाएगा, कभी मौका लगे तो चले जाना। अब उस यूरोप के चक्कर में नैनीताल नहीं गए पिछले 10 साल से कि यूरोप जाना है, यूरोप जा नहीं पा रहे क्योंकि कभी पैसा देख रहे हो, कभी माहौल देख रहे हो, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आ रही है, कभी परिवार आगे आ रहा है, कुछ तो कुछ आगे आता रहेगा, यूरोप नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है सर। तो छोटी छोटी जीना शुरू कर देना, इस नाम के साथ चले जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है सर। पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, और बिना कहीं जो जैसे 6 नंबर यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर ऊपर 6 नंबर नहीं आ रहा कहीं, लेकिन यहाँ मिसिंग है आपका 6 नंबर, तो 6 नंबर मुझे ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो ये होती है प्रैक्टिकल रेमेडी। कोई नंबर यहाँ मिसिंग है तो उसकी कमी वहां से पूरी होगी। ठीक है, तो सर जी जी, तो जैसे मेरा जो पैसा कमाना ना, पैसे की रेमेडी तो ले लो बच्चे, पैसे की रेमेडी, पैसा तो वहां भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, खास पैसा भी तो चाहिए। अच्छा, पैसा जब तक कमाना होगा ना, तो एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, पैसा कमा लोगे आप, लेकिन वो मंत्र को याद रखना। पहली बात तो जो गरीब तबका है ना, बिल्कुल वो शनि से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सबसे पहले उनसे सिर्फ तमीज से भी बात कर लोगे ना तो भी आप पैसा कमा सकते, उनको इंसान को इंसान समझ लेना बस। ठीक है, कभी उनको सताना मत, उनका हक कभी मत मारना, पहली बात तो किसी को नहीं मारना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना आप गरीबों का हक मारोगे शनि आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान दे लेना, शनि को रिप्रेजेंट करता है। हर शनिवार को बच्चे अगर हो सके, ना हो तो कोई बात नहीं, जितना हो सके हर शनिवार को किसी ब्लाइंड को या किसी बेचारे बहुत ही लाचार इंसान को खाना जरूर खिला देना, जितना ही कराएगी उतना पैसे के मामले में एक एक स्टेबिलिटी तेरी बढ़ती चलेगी। ठीक है बच्चा? ठीक है सर। हाँ, तो मेरा मतलब ड्रीम मुझे यही पूछना है कि मेनली मेरा ड्रीम मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। हां, थैंक यू सर। चलो ओके जी। देखिए किसी ने ना वो नाम ही नहीं लिखे अपने, तो उनका बड़ा मुश्किल होता है। मनीष जैन। यस सर। गुड इवनिंग। हाँ जी मनीष। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1973। जी, नाम क्या लिखते हैं आप? मनीष जैन, MANISH। MANISH जैन। जैन हाँ। हाँ जी मनीष। सर मेरा एक क्वेश्चन है बस, कि भी मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, आपका नाम बिल्कुल सूट कर रहा है। हाँ सूट तो कर रहा है सर, बट आई एम नॉट सक्सेसफुल इन दैट एक्चुअली। हो जाएगा, बता देंगे आपको, कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए ऊपर टैलेंट नंबर ना 3 है आपके पास। ओके। जब तक कुछ स्पिरिचुअल में कुछ चीज नहीं बनाओगे, ओके, आज तक ये कुछ ये क्यों नहीं सोचा आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कभी कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरधर कुछ अपना सहयोग दिया बनाने में? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया। कंस्ट्रक्शन लाइन के हो, कभी एक ईंट दान कर देते, एक सीमेंट बोरी दान कर देते, कभी कुछ अपनी लेबर बना के कुरमा रिपेयर करवा देते, कभी व्हाइट वॉश करा दो। मैंने कोई गाइड नहीं किया सर, पहली बार किसी ने गाइड किया है तो करवा दूंगा सर। करवा देना, ये करवा देना,
मतलब समझ लिया रस्ते पे वही वही रुका हुआ है आपका, आपका 3-8 का कॉम्बिनेशन है सर, समझे? अच्छा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लोग इसको भी गलत कहेंगे 3-8, क्योंकि दोनों एंटी हैं एज पर ज्योतिष। ओके, लेकिन मैं फिर कहता हूँ गुरु का दुश्मन कोई नहीं हो सकता, गुरु गुरु होता है, हर हर इंसान हर किसी गुरु को रिस्पेक्टेड नजर से देखता है, इसी तरह से हर प्लैनेट गुरु को जुपिटर को गुरु की नजर से देखता है। ओके, तो कुछ धार्मिक स्थान पे सर थोड़ा बहुत कुछ काम करा दो पहली बात। ओके, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम, कुछ भी काम करा दो, ठीक है सर, आपका काम चल निकलेगा, सिर्फ इतना कर लो आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, और बताओ बस सर, और तो कुछ धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग करते रहोगे जी सर, इतनी तरक्की आपकी होती चली जाएगी, 6-8 महीने बाद आपका फोन मुझे जरूर आएगा, 100% आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके चलो जी, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, देख लेते हैं जितने का हो सके, और जिसने कोर्स करना है तो मंडे से शुरू है, तो ऑल आर वेलकम। नीलम कुमार, नीलम जी। यस सर, नमस्कार सर। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, आई कैन टेल योर नेम, अस्मिता कुमार। डेट ऑफ बर्थ बताइए, पहले ईयर बताइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1992। 15 जनवरी 15 जनवरी ओके 15 जनवरी बच्चे का नाम अस्मिता कुमार आगे कुमार। ठीक है, हाँ जी, अस्मिता कुमार। चलो जी, हाँ जी बताइए। अस्मिता कुमार, मेरे को उसका नाम नहीं दिख रहा, नाम नहीं दिख रहा, दिख तो रहा मैडम, ये तो रहा अस्मिता, ASMITA अस्मिता कुमार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट। 15 जनवरी 1992, ठीक है, हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए मैडम, पावर तो बहुत है इनके पास, 1-1 बच्चे में अगर 1 के ट्रेड्स ज्यादा है, टैलेंट भी आपका 1 है और डेस्टिनी भी आपका 1 है, तो ये अच्छा ना, अच्छा भी और बुरा भी है, अच्छा इस सेंस में है कि अगर 1 की पॉजिटिव क्वालिटी अगर आपने जी ली तो आप दुनिया को फतेह कर सकते हो, लेकिन अगर ईगो पाल लिया और सिर्फ उन एनर्जी का अपने लिए सर यूज करना शुरू कर दिया तो इसके नेगेटिव ट्रेड्स आ जाएंगे, तो बच्चा थोड़ा सा ईगो वाला हो सकता है आपका। ईगो है या नहीं है, यस और नो? हाँ है, ईगो है, और पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आएंगी मैडम, आएंगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, 1-1 का कॉम्बिनेशन मैडम, राजा समझता है बच्चा आपका अपने आप को, राजाओं की तरह बिहेव करता है और हर इंसान को प्रजा समझ रहा है वो, ठीक है। हाँ जी, इतना भी नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैडम यही है, 1-1 का कॉम्बिनेशन है तो दिक्कतें आती है, बहुत ही शुक्र है कि इनका 6 नंबर यहाँ पर हार्ट नंबर में आ गया, ठीक है, वरना तो 6 नंबर भी नहीं इनके पास, तो फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसके बाद 6 नंबर ना और 1-1 ज्यादा आ जाए, ठीक है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है ना सर, नहीं वो डिस्टर्ब, ठीक है, हार्ट नंबर पे आया है कोई बात नहीं, और यहाँ मिसिंग है ना, आप देखिए नंबर कितने मिसिंग है, 5, 6, 7, 8, 4 नंबर लाइन से मिसिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहते हो अभी बताओ, बच्चे की थॉट बहुत बड़े हैं, हाँ जी बहुत बड़े थॉट है बच्चे के, हाँ जी, क्या कैसा करेगी आप, क्या चाहिए ये बताओ, आईटी में है वो, आईटी में है, हाँ नहीं, बच्चे की मैरिड लाइफ ठीक करनी है या बच्चे की प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है बताओ पहले, मैं एक ही नंबर बता पाऊंगा ना, प्रोफेशनल तो फिर भी ठीक चल रही है, मैरिड लाइफ मतलब सबसे पहले बच्चे को बोल दो जब तक ईगो नहीं छोड़ेगा, मैं कितनी मर्जी रेमेडी बता दूं मैडम, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल रेमेडी आप नहीं करेंगे तो कैसे इफेक्ट आएगा ये बताओ, कुछ कार्मिक का है कुछ प्रॉब्लम, कुछ कार्मिक नहीं है, कार्मिक नहीं है इसके बच्चे के पास, कोई कार्मिक नहीं है, ये 22/4 ये कार्मिक नंबर नहीं है, मास्टर नंबर है इसके पास, ओके 11/2 ये कार्मिक नंबर नहीं है, ये मास्टर नंबर है, ओके ठीक है, नंबर ठीक है बच्चे के पास, कोई दिक्कत नहीं है, रेमेडी थोड़ी ईगो छोड़नी पड़ेगी सबसे पहले, और 6 नंबर की रेमेडी करा दो इसको, सबसे पहले इसको बच्चे को बोलना है एक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जरूर पहन के रखे, रोज क्वार्ट्ज, हाँ जी ठीक है,
वाटर में तो डाल के रखती है, वो पानी पीती है रोज वाटर? कोई बात नहीं मैडम, पानी पीती है तो डाल भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पैन भी okay. ये कर लो okay. दूसरा इनको ये भी बोलो कि हर शुक्रवार के दिन किसी वृद्ध महिला को ठीक है ये कुछ ना कुछ मिठाई जरूर खिलाए okay. okay. इतना दो रेमेडी आप कर लीजिए, क्योंकि रेमेडी तो और भी है, फिर वो आप जब हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं पर्सनली तब आपको दी जाती है, इतना कर लेंगे तो भी लेकिन वो ईगो तो छोड़े कम से कम पहले okay. मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो हाँ जी, वो समझ लोगे तो मैरिड लाइफ अपना ठीक हो जाएगी, झुकना okay. अगर आ गया ना बच्चे को जी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ओके। वो आप ना बताए ना डिफेंड करें बच्चे को, तो आप जाने, हमें तो जो दिख रहा है वो बोलेंगे ठीक है। चलो जी आज इतना ही कर पाएंगे, 11 बज गए हैं और अभी ना थोड़ा सा हेल्थ भी उस लेवल की नहीं है, थोड़ा सा हेल्थ आज ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए क्लास भी नहीं पढ़ा पाया आज। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैं कोई क्लास नहीं ले पाया। चलो जी सभी का थैंक यू, आप लोग आए, जिसके क्वेश्चन आंसर मैं नहीं ले पाया उसके लिए सॉरी, और डिवाइन से अगली बार ब्लेसिंग लेंगे हम, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग नहीं है ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो जिसने कोर्स करना है जुड़े रहिए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम आपके लिए दी बेस्ट ऑफर दी बेस्ट कोर्सेज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। कोई कुछ बोलना चाहता तो लास्ट में जाते आते, चाहे वो गलत ही बोले कोई बात नहीं, सर आपने मेरा नहीं लिया। नेक्स्ट सेशन सर कल फिर होगा, कल फिर होगा। सभी आप सभी इनवाइटेड हैं, कल फिर मेरा सेम आईडी और सेम पासवर्ड के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज मेरा नंबर कल जरूर लगाइएगा, सोनिया गौड़ का। सोनिया गौड़ का सबसे पहला नंबर आपका ले लेंगे हम, कल याद दिला देना। मेरा भी सर अजय कुमार जरूर सर, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, बट सीरियसली सर आपने बहुत अच्छा बोला है आज सर। आप रियली सर एक जो प्रैक्टिकल चीज लग रही है ना वो लग रहा है, यानी कि मैंने तीन चार थैंक यू सभी की विशिंग है, सभी की सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का, थैंक यू। ये आप लोग ही ब्लेसिंग है कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तो नहीं दिखा रहा, बेसिकली दिखा तो ऊपर वाला रहा है, लेकिन ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं आएगा ना, वो किसी नहीं नहीं सर, वही किसी ना किसी के जरिए आएगा, तो वही थैंक यू सर जरिया बन के सर हमारे लाइन में। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ सर, आई एम ऑल्सो इन क्यू। और फिर दूसरा भी सचिन ने बोला उनका मेरा अजय कुमावत सर, मनोज अग्रवाल एंड सर अजय कुमावत सर, अजय कुमार, बस तीन लेंगे सबसे पहले कल, बाकी सब लाएंगे आएगी भाई, कल के लिए छोड़ दो, मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता यार, समझो बात को, ये तो डिवाइन की मर्जी है, नंबर आएगा डिवाइन, अगर नहीं चाहती आपका कुछ रेमेडी मिले कुछ कंसर्न के बाद जाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, मैं तो निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं यहाँ पर, जो सर निवेदन ये है कि सर कल के टोकन आज ही बांट दें सर, आप कल वाले क्या करेंगे सर, कल वाले क्या करेंगे फिर, ये तो बताओ बेचारे बीच से, वो तो वो भी आएंगे आज ही नंबर लग रहे हैं सर, ये तो सर हमें नंबर तो मिल जाएगा ना, 12 बजे वाले टाइम का नहीं किया सर। चलो सर नंबर कल थोड़ा लेट तक बैठ जाएंगे बाद, और कल तो मेरा वैसे ही सर, थैंक यू सर, चलो सर नंबर बता देता हूं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स आपका प्यार, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं आपकी यही इच्छा यही डेडिकेशन मेरे को ना मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं कि जितने मिथ है एटलीस्ट वो तो दूर करो, तो नाम के मतलब भाई किसी ऐसे ऐसे से मैं एक जनरल राजी जो नाम दिखाया था मैंने, मतलब आप सोचो मेरी तो हंसी नहीं रुकी जब मैंने देखा वो नाम। सर मेरा एक निवेदन था सर। हां जी कमलेश सर 11 या 12 तारीख को आपने 12 बजे तक सबके जवाब दिए थे सर, आपको याद हो? दिए थे।
तो सर उसमें मैंने मेरा पूछा था, लेकिन मेरे क्या उसमें थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी तो मैं आवाज क्लियर आई नहीं थी आपकी। ओके, तो मैं वो मेरा वो सुनना चाहता हूँ सर। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, लेकिन मैंने शायद बोला होगा, देखो जिसको भी मेरा सुनना होता है ना, मेरे ये सारे अभी लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ये कल सवेरे तक मेरे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो जाएगा। तो मैं तो सभी कहता हूँ जो वेबिनार आपने देखना है वो यूट्यूब पर जाकर देखो। 11-12 तारीख का होगा सर अपलोड? सर सारे अपलोड है, सारे अपलोड है सर। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है सर, रिकॉर्डिंग है सर। जैसे आज का अगर आपने देखना है तो कल अपलोड होगा ना अगले दिन, या आज के आज ही रात को कर दूंगा, तो जिस दिन का वेबिनार होता है उस दिन देख लो, या उससे अगले दिन वाला डेट देख। मेरा निवेदन ये है कि सर अगर 3 घंटे चलता तो 3 घंटे की अपलोड होगा पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है सर, अपलोड होता है। और मैंने भी सर से जो रेमेडीज पूछी है वो जब भी आती है मैं दोबारा उस पे सुन लेती हूँ। आप मार्क भी कर सकते हो उसको, लाइक कर लीजिए वीडियो को। बस सर यूट्यूब पे आपके नाम से है सर? मेरे नाम से ही है, डॉक्टर नागेश तनवर। एक बार कोई लिखो तो, अच्छा कोई किसी का मोबाइल है तो एक मिनट डॉक्टर नागेश तनवर लिखना प्लीज, कोई बार लिख के देखो। YouTube पे सर आपका नाम पे एक ही नाम आता है सर, डॉक्टर नागेश। मैं कह रहा हूँ गूगल पे लिख दो सर मेरा नाम डॉक्टर नागेश तनवर, कोई और डॉक्टर नागेश तनवर आएगा ही नहीं। सोचो कितनी गूगल ने रैंकिंग कितनी रखी है हिंदुस्तान में, 130 करोड़ की जनसंख्या में डॉक्टर नागेश तनवर लिखते इस तरह मेरा नाम आगे आता है, तो कुछ तो गूगल ने भी हमारी रैंकिंग कर रखी होगी ना। और वहाँ पे फेसबुक का भी आपको लिंक मिल जाएगा सर? कुछ फेसबुक लिंक है, मेरे यूट्यूब लिंक है, लिंक्डइन लिंक है, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। आपका वीडियो भी मिल जाएगा, आज का रिकॉर्डिंग भी कल सुबह आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है जी। अरे वो सर, हाँ जी सर, मेरे नाम आया किसी और का आया? जनरल क्वेश्चन का सर, क्या आया मेरा ही आया किसी और का भी आया? नहीं नहीं सर, आपका नाम आता है सर ऊपर ही, देख लो कितने बजे की बात है। अमेरिका में पैदा हुआ है गूगल के रूप में, जैसे कृष्ण जी के पास सारे जवाब होते थे ना, हर बात का सोचना कृष्ण जी के पास होता था, क्योंकि अकेले इकलौते कृष्ण जी ऐसे हैं देवी देवताओं में जिनके पास 16 कलाओं पे माहिर है। 16 कलाएं आती है, 16 कलाएं से ज्यादा नहीं हो सकती, सबके माहिर है। ऐसी गूगल है, गूगल से कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी टाइप कर दो, लाखों ऑप्शन दिखा देगा सर। मैं एक दिन एक सर विचार कर रही थी तो मुझे एक चीज आई कि जिस पे समय भी काम ना करे, कोई रेमेडी भी काम ना करे, वो कृष्ण की भक्ति कर ले तो सब काम कर जाएगा। बिल्कुल, अरे वो तो दिवानी तो सबसे परे है। हाँ तो वही सर, वो तो सबसे बड़े गुरु भी है कृष्ण, वंदे जगत गुरु। यस, जगत गुरु जी गीता का सार सार। सर मैं को एक सवाल पूछना था, इसलिए मैंने नाम गीता रखा हुआ है। पंकज जी क्या सर कुछ पूछना चाहता था आपसे, मतलब आपको इतने टाइम से देख रहा हूँ, मतलब गुस्सा नहीं आता आपको कभी भी? देखिए इससे बड़ी बात क्या, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं दुश्मन को क्यों बुलाऊं, मुझे तो समझ में आ गई ये बात। नहीं नहीं, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या सवाल करते हैं उल्टे सीधे, फिर भी कभी आप गुस्सा नहीं करते। आप कभी नहीं देखो सर मेरे, देख लो 10 साल से पढ़ रहे हैं, कभी मैं गुस्सा नहीं करता। सर मेरा निवेदन है, उससे आपका खुद का नुकसान होता है सर। सर मेरा 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 निवेदन ये है कि एक बार आपके डेट ऑफ बर्थ लेकर आपका एक विश्लेषण करें ना सर, इसमें करो सर, करो नंबर और डेस्टिनी नंबर वगैरह। 1973 है मेरा, करो सर। मेरी वाइफ को ना बहुत गुस्सा आता है, उनको कुछ रेमेडी बता दो आप। वो अगर वाइफ को गुस्सा आ रहा है तो कमी आपकी है भाई, द बॉस इज ऑलवेज राइट। छह नंबर की कमी है सर भाई, दिलाते क्यों गुस्सा? हमारे दिलाते गुस्सा हर इंसान समझदार है, इंसान गुस्सा नहीं करता, कोई दूसरा इंसान गुस्सा करवाता है, हम कहते हैं हमसे गुस्सा करवा के दिखाओ। नहीं नहीं करवा सकता, बस तो फिर ठीक है सर, गुस्सा करें तो कमी आपकी, आपको सजाना, क्योंकि मेरी भी वाइफ है सर, समझा करो, मुझे भी घर गृहस्थी बसानी है अपनी, मैं गलत नहीं बोल सकता बीवी, किसी भी बीवी को, मुझे भी गृहस्थी। घर की लक्ष्मी को वैसे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए सर, मैं खुद वाइफ हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गुस्सा कर रही है तो अजय जी आपकी कमी है, आपको सुधारना है भाई, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर की रेमेडी करनी है सर, छह नंबर की रेमेडी करनी है, बीवी को गिफ्ट दिया करो, घुमाने फिरने ले जाकर, फिर गुस्सा देखना, गुस्सा ही करेगी। लास्ट आई लव यू कब बोला था भाई बीवी को, ये बताना, बताओ कब बोला था, फिर गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी बीवी? ये छोटी छोटी खुशियां चाहिए उनको सर, छोटी छोटी खुशियां चाहिए उनको, कोई ताजमहल नहीं चाहिए उनको, छोटी छोटी खुशियां चाहिए, वो देना शुरू कर दो, गुस्सा खत्म है उनका, उनकी तो चॉइस ही कुछ नहीं होती, उनकी तो डिजायर ही नहीं है।
खुंकार लग रही हो आप, कोई बोलता है क्या कातिल लग रही है, तो फर्क है ना सर, आप खुंकार बोलोगे तो फिर गुस्सा ही करेगी ना, कातिल क्या कातिल लग रही है, तो सर लैंग्वेज सुधार लो थोड़ी सी, भाषा में इस तरह की चीजें ले आओ, सर ये खुंखार और कातिल वाला बहुत बढ़िया था सर, ये सर ये ऐसे सीखा मैम, आप लोगों से सीखा है, कंसल्टेंसी देने आते हैं तो वही उन्हीं को समझा समझा के चीज रट गई है। नहीं सर अभी तो हम ही आपसे सीख रहे हैं सर सब कुछ, ठीक है सीखते रहिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सेम टाइम 9 बजे कल फिर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि सर, थैंक्स, शुभ रात्रि सर, सो नाइस ऑफ यू सर, गुड नाइट, थैंक यू।